चलिए गुड मॉर्निंग क्लास। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, समीर अंसारी, प्रथम, मोहम्मद इमरान, प्रिंसी कौशल, संतोष चौहान, गरिमा शर्मा, सनीसा, अर्पना यादव, चलिए गुड मॉर्निंग टू यू ऑल अगेन। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, MCA 21, है ना। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, तीन बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर XBRL के बारे में भी है ना, एंड फाइलिंग इन XBRL, इसको आप काट दीजिए क्योंकि इसके ऊपर मैंने अलग से चैप्टर बना दिया। अब अगर आप देखेंगे तो इसका अगला चैप्टर चैप्टर 2A है, और जो चैप्टर 2A है वो XBRL के ऊपर है, जरा आप देखिए। तो XBRL ज़्यादा टेक्निकल होने की वजह से मैंने XBRL का चैप्टर अलग कर दिया। आप देखो चैप्टर 2A आ रहा होगा XBRL, पहले तो इस चैप्टर से आगे पहुंचो, ये बहुत बड़ी बात है, है ना, है ना। XBRL एंड ई फॉर्म्स डिटेल्स अगला चैप्टर देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों चैप्टर एक ही फैमिली का है, इसलिए तो ये चैप्टर 2 है और वो चैप्टर 2A है। मैंने चैप्टर का नंबर चेंज नहीं किया क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक ही फैमिली का है, दैट इज चैप्टर 2, ठीक है। वो थोड़ा लेंदी हो जाता था, और XBRL पे चूंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बच्चों को एक्सपर्ट बनाना था, इस वजह से मैंने अलग चैप्टर ही कर दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करें फिर। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जल्दी बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली। सबसे पहले जो पुराने बच्चे हैं, मेरी वेशभूषा देख के कहा अरे ये क्या, आज ये क्या बन के आ गए, है ना। आपको बता दूं, आपको प्रिंसिपल शायद मालूम नहीं है, माय प्रिंसिपल इज फ्राइडे सैटरडे संडे नो टाई डे, फ्राइडे सैटरडे संडे नो टाई डे, है ना। अरे मैं टीचर हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, पर उसके साथ एक इंसान हूँ, कपड़े मैं भी खरीदता हूँ, तो मुझे भी तो दिखाना पड़ता है कि नहीं। अब मालूम चला मैं डेली का डेली फॉर्मल रहूँगा तो फिर ये सब कपड़े क्यों खरीदा मैंने, कभी लाल पीला हरा ब्लू भी तो बन के आना है कि नहीं। तो ये कैसा प्रिंसिपल लगा तुम्हें, फ्राइडे सैटरडे संडे नो टाई डे, अच्छा है। तुम लोग का तो एवरी डे नो टाई डे है, स्कूल के बाद तो आज तक कभी टाई देखा नहीं लाइफ में, कि देखा सर शादियों में पहन के जाते हैं, पापा का टाई, किसका टाई, पापा का टाई। बाकी जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, आवाज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो शुरू करें, चलो। तो चैप्टर का नाम फिर से एक बार बोल दीजिए, चैप्टर का क्या नाम एग्जैक्टली, MCA 21 का इंट्रोडक्शन। ये मात्र इंट्रोडक्शन है ना। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, एकदम शांत हो जाओ, जल्दी से बताओ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जोर जोर से। जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है, पढ़ लिया, मतलब जब तक तुम लोगों को गाली ना पड़े तुम पढ़ने वाले नहीं हो, है ना। जहां मैंने बोला कि जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ, सब पढ़ने लगा, मोड ऑफ पेमेंट, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, फिजिकल सबमिशन, प्री सर्टिफिकेशन, ई फाइलिंग। हद तो तब है जब गुस्से में आके गाली सुनने के बाद XBRL भी पूरा पढ़ लिया, जिसमें XBRL का कंटेंट कहां है, अगले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 2A, है ना। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, एकदम शांति से सुनते रहना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ना। चलिए जी ध्यान से सुनिए, एकदम शांत रहना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फिर लाइन बाय लाइन। आप जानते हैं ना, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो कॉन्सेप्ट बिल्ड भी करता है प्लस लाइन बाय लाइन भी टैली कराता है, क्योंकि 90% इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ वो PPT से पढ़ा देते हैं, लाइन बाय लाइन वो टैली नहीं कराते, और लाइन बाय लाइन ना टैली होने की वजह से बच्चा एग्जाम में लिख ही नहीं पाता है। लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तभी तो लाइन बाय लाइन एग्जाम में लिखेगा। और ऐसे भी देखो कंपनी लॉ के अंदर 1200 पेज की मेरी बुक है, और यही मेरा USP है,
और जो मेरा यूएसपी है मैं तो बार बार बोलूंगा और हर क्लास में बोलूंगा, क्यों ना बोलूं, 1200 पेज की बुक कॉन्सेप्ट प्लस पीपीटी प्लस लाइन बाय लाइन पढ़ाना अपने आप में एक अचीवमेंट है कि नहीं, पहले बताइए आप। अच्छा, मेरे लिए पढ़ाना अचीवमेंट है, तुम्हारे लिए पढ़ना अचीवमेंट है कि नहीं? तो आपको अपने आप पे भी गर्व होना चाहिए कि 1200 पेज कंपनी लॉ बुक पढ़ रहे हो, 1200 पेजेस कंपनी लॉ, दो वॉल्यूम है ना, कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड, दोनों मिला के कितने पेजेस, 1200 पेजेस बहुत होते हैं। वो भी पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना और लाइन बाय लाइन भी पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या एग्जैक्टली, लाइन बाय लाइन। कॉन्सेप्ट तो पीपीटी से भी क्लियर हो जाएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। जैसे अभी देखो, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आधा घंटा तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में लगा दूंगा, उसके बाद कहाँ पहुँचूंगा, लाइन बाय लाइन। तो मैं दोनों रखूंगा, कॉन्सेप्ट प्लस लाइन बाय लाइन। तो चलो पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम क्या है, MCA 21। तो ध्यान से सुनते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, एकदम शांति से। देखो, सबसे पहले एक बार बताइए, वी ऑल आर द कंपनी सेक्रेटरीज, हमारा काम क्या है, कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट को लगाना और इंश्योर करना कि कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, कंपनीज एक्ट का वहां कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, इसलिए तो 1200 पेज की कंपनी लॉ की बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी लॉ के भारत के हम सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, हमसे बड़ा एक्सपर्ट इस भारत में कोई भी नहीं है। तो कंपनी लॉ की तो छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात हमें ही पता होनी चाहिए। तो सब कुछ पता करना है तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अब सुनो, जरा बताओ तो, हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 ही वो लॉ है जो हमें समाज में, इंडस्ट्री में क्या देता है, नाम देता है, क्या देता है, नाम। क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही तो तीन सेक्शन है, 203, 204, 205, 203 अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट, 205 फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो आज कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत सारे लॉ में है, लेकिन जो मेन लॉ है वो कौन सा लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013। इवन कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन भी कंपनी लॉ के अंदर ही है, सेक्शन 2 क्लॉज 24, सेक्शन 2 क्लॉज 24 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 25। सेक्शन 2 क्लॉज 24 कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 25 कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ उसका डेफिनेशन। तो ये बात तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, हम सब सीएस हैं। मैंने पहली क्लास में तुम लोगों को बताया था कि मेरे क्लास में ये कभी मत बोलना कि तुम सीएस बनने आए हो, तुम ये बोलो सर हम सीएस बन चुके हैं, बस एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से काम सीखने के लिए आए। क्या सीखने के लिए आए, काम। क्योंकि सीएस प्रोफेशनल कोर्स है, सीएस कोर्स में हर एक चैप्टर, हर एक लाइन जो पढ़ाया जा रहा है वो सीएस बन के काम आने वाला है। हर चैप्टर तुम्हारे लिए क्या बनने वाला है, क्लाइंट, क्या बनने वाला है, क्लाइंट। और ये चैप्टर तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, MCA 21 चैप्टर, अभी देखना स्टार्ट होगा आपको कितना मजा आने वाला है कि नहीं। तो कंपनी सेक्रेटरी तुम बन चुके हो ये मान के चलो, बस एक पीसीएस, पीसीएस का मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से डेली कोई ना कोई काम सीख के जाओगे, और वही काम तुम्हारे लिए क्या बनेगा, क्लाइंट, क्या बनेगा, क्लाइंट। ये प्रोफेशनल कोर्स है, जानते ना दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक होता है कौन सा कोर्स, एकेडमिक, एकेडमिक कहां तक, 10th 11th 12th, बीकॉम फीकॉम लुकॉम एमकॉम फैमकॉम, और ये जो सीएस है, सीए है, सीएमए है, ये सब क्या है, प्रोफेशनल कोर्स, एलएलबी एक प्रोफेशनल है। क्यों, क्योंकि यहां वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपको प्रोफेशनल बन के काम आने वाली हैं। आज देखो, आज सीएस बन के हम कंपनी लॉ का काम करेंगे, अरे सीएस बन के हम क्या करेंगे, कंपनी लॉ का काम करेंगे ना। तो इस चैप्टर में यही तो सिखाया जाएगा, काम होता कैसे, काम होता कैसे। तो ये चैप्टर थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वो लोग क्यों खड़े हैं, क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, देखो खड़े खड़े पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ जाएंगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्या लेट क्यों हो गई थी, क्या हो गया सर, मेट्रो पंक्चर हो गया था, हैं, बैठो बैठो, हैं, तुम क्यों लेट हो गए सर, एरोप्लेन यहां लैंड नहीं किया, क्लास टाइम पे आया कीजिए प्लीज, धीरे धीरे मैं सख्त होना स्टार्ट हो जाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा, 50 रुपये की पेनल्टी लूंगा तो क्लास में घुसने दूंगा, थोड़ा फंड रेजिंग भी हो जाएगा मेरा। ऐसे ही सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला इंस्टीट्यूट है ये, वो आपको देख के लगता भी होगा, सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है, हम तुमसे फीस लेके रखते नहीं हैं, बस ये जरूर खरीदा है मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लौटा देते हैं, लौटाते हैं, लौटाते पहले बताइए आप, है कि नहीं। ऐसे ऑडिटोरियम में क्या मेरे फैमिली वाले आते हैं, सर रात में सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये स्टूडेंट ही बैठता है दिन भर, तो अगर अच्छा ऑडिटोरियम बना तो तुम्हें ही फायदा दिया जा रहा है,
है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है, अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तो दिमाग में चीज़ें जल्दी घुसेंगी, है कि नहीं? तो चलो ध्यान से सुनते जाओ। तो कंपनी सेक्रेटरी से जुड़े हुए कुछ सेक्शन है जो डायरेक्ट सेक्शन है, क्या है डायरेक्ट, वो आपको याद होने चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 24 किसका डेफिनेशन, सीएस का। सेक्शन 2 क्लॉज 25 किसका डेफिनेशन, पीसीएस का, है ना। सेक्शन 203, 204, 205, 203 हमारा अपॉइंटमेंट एज एन केएमपी, है ना, एज ए कंपनी सेक्रेटरी। आपको मालूम हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है उसको सीएस रखना मैंडेटरी है, है ना। सेक्शन 203 के अंदर रूल 8 और 8A, 8A प्राइवेट कंपनी को डील करता है और 8 पब्लिक और लिस्टेड कंपनी को डील करता है। चलिए 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट, 205 फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। बताओ कितने बच्चों को ये याद हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज 24 कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 25 पीसीएस का डेफिनेशन, 203 मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्या बोलोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट, वी आर द सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स, एंड सेक्शन 205 फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। बताइए लेजिस्लेचर लॉ लिखने वाले ने सेक्शन 205 में बताया कि कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन क्या है, मतलब बताइए लेजिस्लेचर को ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि समाज में लोग, सोसाइटी में लोग सीएस के बारे में कम जानते हैं, है कि नहीं? और जब लोग सीएस के बारे में कम जानते हैं तो कुछ बुरे लोग उसका फायदा उठाते हैं ये बोल के कि सीएस का स्कोप नहीं है। बोलते हैं ना, बहुत लोग मिलेंगे आपको बोलने वाले सीएस का स्कोप नहीं है। किस कॉलेज से सीएस कर रहे हो, है ना, कंप्यूटर साइंस, सिविल सर्विस, सिविल सर्जन तक बोल दिया एक जगह मुझे, मैंने कहा ठीक है ला ऑपरेशन करता हूं अभी जरा, है कि नहीं? तो आप समझिए, इसलिए सेक्शन 205 में बताया गया कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्या फंक्शन है। कंपनी सेक्रेटरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आज सुबह में रिविजन मैराथन मैंने कंपनी सेक्रेटरी चैप्टर का ही कराया, तो इसलिए आपको याद है सारा ये। यस, जितना रिवाइज करेंगे उतना वो याद होता चलेगा, है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, कोई भी बोले ना सीएस का स्कोप नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन उसके मुंह पे मारने का। जहां बोला सीएस का स्कोप नहीं, इधर सेक्शन 2 क्लॉज 24, सेक्शन 2 क्लॉज 25, 203, 204, 205, ये तो कंपनी सेक्ट है, आईबीसी मैंने बोला ही नहीं अभी, सिक्योरिटी लॉ तो मैंने बोला ही नहीं जहां हम कंप्लाइंस ऑफिसर हैं, आईबीसी के अंदर हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है मैंने तो बोला ही नहीं। तो कोई भी हल्का सा भी बोले कि सीएस का स्कोप नहीं है, ये सारे सेक्शन गोलियों के फॉर्म में अटैक करने का जब तक वो मर ना जाए। अच्छा, वो मर ना जाए या उसका गलत कॉन्सेप्ट ना मर जाए, याद रहेगा? तो चलो ध्यान से सुनो। अब देखिए कंपनीज एक्ट चलाना हमारा काम, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भारत में कंपनीज एक्ट चलता कैसे है। जल्दी बताइए, कंपनीज एक्ट 2013 तो एक लॉ है जो सारी के सारी कंपनीज को गवर्न करता है, पर इस लॉ को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि सुनिए, कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, सेंट्रल लॉ है, तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी, मोदी, मोदी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मंत्रालय, मंत्रालय बहुत सारे हैं, तो बताओ कौन से मंत्रालय को यह काम दिया गया है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स अकेले देख लेता है या इसने अपने नीचे भारत को 7 रीजन में बांट के सातों रीजन में अपना एक ऑफिसर बैठा दिया जिसका नाम है रीजनल डायरेक्टर, और हर रीजनल डायरेक्टर के हाथ में कुछ स्टेट दे दिया और हर स्टेट में एक ऑफिसर बैठा दिया जिसका क्या नाम है, ROC। तो ये है एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, क्या है, देखो कंपनीज एक्ट 2013 तो किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने, लेजिस्लेचर का काम खत्म, लॉ बना के दे दिया, काम खत्म। पर लॉ की किताब लिख देने से लोग लॉ को मान लेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब लॉ को मनवाने के लिए, लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो, लॉ का कंप्लाइंस हो, इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ को क्या कराता है, इंप्लीमेंट कराता है, क्या कराता है, इंप्लीमेंट कराता है, एग्जीक्यूट कराता है। अच्छा, इस लॉ के अंदर या ये जो एग्जीक्यूटिव हैं इनके एक्शन में कुछ परेशानी है, कुछ डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्योंकि जो नॉर्मल जुडिशियरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका एज सच कोई भी कंपनी लॉ में कोई भी रोल नहीं है। यहाँ कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो केस सबसे पहले किसके पास जाएगा, NCLT, उसके बाद NCLAT, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी रोल कंपनी लॉ में अब नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर केसेस बहुत सारे हैं, ये ओवरबर्डन है, यहाँ तारीख पर तारीख पड़ता रहता है और सनी देओल को आज भी गुस्सा आता है।
इसलिए सनी देओल के गुस्से से बचने के लिए क्या बनाए जाते हैं आजकल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो स्पेसिफिक होते हैं, उसी एक्ट का केस लेंगे, कम केसेस होंगे, जल्दी जल्दी तारीख आएगा, जल्दी जल्दी डिसीजन होगा, क्विक डिसीजन, क्विक जस्टिस। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए आप। चलो एक बात बताइए, इसमें से कंपनीज एक्ट जो है लेजिस्लेचर वो कितना दिखेगा आपको, मतलब बार बार वो दिखेगा नहीं, लेजिस्लेचर तो एक ही बार दिखा, कंपनीज एक्ट 2013 बना के दे दिया, तो लेजिस्लेचर का तो काम खत्म। तुम बताओ इस तीनों में से हमें ज्यादा कौन दिखेगा, हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर के प्रोफेशनल्स हैं, तीनों में से ज्यादा कौन दिखेगा हमें बताओ, लेजिस्लेचर ज्यादा दिखेगा, एग्जीक्यूटिव ज्यादा दिखेगा या क्वासी जुडिशियल बॉडी ज्यादा? याद रखिएगा सबसे ज्यादा दिखेगा आपको एग्जीक्यूटिव। तो इसलिए ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये एग्जीक्यूटिव को समझाने के लिए। एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल लेवल पे कौन है? एमसीए। अरे आरडी आरओसी तो उसी का ऑफिस है ना, है ना। रीजनल लेवल पे क्या एमसीए का मेन ऑफिस होगा या रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस होगा? स्टेट लेवल पे एमसीए का मेन ऑफिस होगा या आरओसी ऑफिस होगा? तो कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी काम सबसे पहले आरओसी ऑफिस जाएगा, आरओसी ऑफिस के बाद अगर कुछ दिक्कत रहा तो आरडी ऑफिस में आगे बढ़ेगा, और आरडी ऑफिस के बाद वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एमसीए। मतलब ज़्यादातर आपको आरओसी ऑफिस में आपका काम हो जाएगा, पर आरओसी भी तो एमसीए का ही ऑफिस है। अच्छा आरओसी का जो बोर्ड लगा हुआ होगा, जैसे मालूम चला बिहार आरओसी पटना में है, तो वहाँ बोर्ड क्या लगा हुआ है? कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिहार। कोलकाता में आरडी ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिस ऑफ रीजनल डायरेक्टर ईस्ट, रीजनल डायरेक्टर ईस्ट कोलकाता। और जो एमसीए है तो दिल्ली में होगा, अरे मंत्रालय तो दिल्ली में होता है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। देखा है शास्त्री भवन, इंडिया गेट के आसपास सारे मंत्रालय हैं, तो इंडिया गेट है ना, वो कौन सा मेट्रो स्टेशन है? मेट्रो स्टेशन का भी नाम सीएस है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ना, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से निकलिए, एक एक रास्ता उसमें जाता है शास्त्री भवन, उसी में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और याद रखना यही हमारे तीन मंदिर हैं, यही हमारे तीन भगवान हैं, ये भगवान ये मंदिर ये सब खुश रहा तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये तीनों गुस्सा में आ गए किसी दिन तो आपका प्रोफेशनल लाइफ हिल जाएगा। तो इस तीनों को खुश रखना है। अच्छा इस तीनों को खुश रखने के लिए पहले इन तीनों को जानना पड़ेगा। अच्छा ये तीनों खुश कब होंगे पहले बताइए आप, ये खुश तब होंगे जब तुम इनके अनुसार चलोगे। तो पहले हमें मालूम तो होना चाहिए कि काम कैसे करते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं एमसीए के बारे में जानना। किसके बारे में जानना? चैप्टर का नाम एमसीए 21 है, तो एमसीए के बारे में जानेंगे ना थोड़ा सा। तो चलो जानते हैं किसके बारे में, एमसीए। चलो बताओ एमसीए को क्या काम दिया गया है भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को क्या काम दिया गया है? टू रेगुलेट द कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट, ये ना। भारत के अंदर जितनी भी कंपनीज है उसको क्या करना? रेगुलेट करना। एकदम शांति से सुनना, बेस अच्छा बना रहा हूं। आपको मालूम है प्रोफेशनल में सिर्फ लॉ ही लॉ है, अब न्यू सिलेबस में आपको मालूम है ना, प्रोफेशनल में अब टैक्स वैक्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्या एग्जैक्टली लॉ, और टैक्स है भी तो ऑप्शनल में। तो इसलिए लॉ का आपको बेस एकदम मजबूत रखना है। लॉ का बेस मजबूत रहेगा एग्जीक्यूटिव भी निकल जाएगा और प्रोफेशनल भी निकल जाएगा। लॉ खराब हुआ तो एग्जीक्यूटिव तो जैसे तैसे निकल जाएगा पर प्रोफेशनल में अटक जाओगे, प्रोफेशनल भी पास कर गए पर सीएस बन के काम कैसे करोगे, चूंकि तुम्हें काम तो आता नहीं है। इसलिए लॉ बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या जरूरी है? लॉ। इधर देखिए, हाँ जी। अब एक बात बताइए, एमसीए का काम है भारत के अंदर की सारी कंपनीज को क्या करना? रेगुलेट। तो कैसे रेगुलेट करेगा? इधर देखो। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं इस बच्चे को रेगुलेट करता हूं, तो रेगुलेट, आपका क्या नाम है आपका? अविनाश। मान लीजिए मैं अविनाश को क्या करता हूं? रेगुलेट करता हूं। तो रेगुलेट करने का मतलब है मैं इसको कंट्रोल करता हूं। कंट्रोल करने का मतलब है कि अविनाश मेरे हिसाब से चलता है। अच्छा बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? लेकिन कंट्रोल तो मैं इसको तब करूंगा, रेगुलेट तो मैं तब इसको करूंगा जब इसके बारे में जानूंगा। जैसे मैंने अविनाश को बोला कि खड़ा हो जा, मालूम चला बैठ गया। मैंने बोला सो जा, मालूम चला डांस कर रहा है। मैंने बोला कि भाई बगल वाले से दोस्ती कर, बगल वाले को थप्पड़ मार दे रहा है। इसका मतलब मेरे रेगुलेशन में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे से रेगुलेट हो रहा नहीं है। तो देखिए जब आप कहते हैं आप किसी को रेगुलेट करते हैं, इसका मतलब आप उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा कंट्रोल में तभी कर पाऊंगा जब मैं सामने वाले के बारे में जानूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब एक बात बताओ, एमसीए का क्या काम है? कंपनीज को रेगुलेट करना। तो उनको पहले कंपनीज के बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा भारत में तो 1,00,000 कंपनीज हैं, 1,00,000 से ज्यादा। भारत में जानते हो कितनी कंपनीज हैं? मोर देन टेन लैक्स। और कंपनी सेक्रेटरी कितना है? 70,000। कहां 1,00,000 और कहां 70,000।
बताइए डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है कि नहीं गैप है, पहले बताइए। अब तो भी बताइए, कंपनी सेक्रेटरी जो कोई बन के निकलता होगा तो तुरंत उसको नौकरी मिल जाती होगी, नहीं मिल जाती होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। अरे 10 लाख में से मान लो 6 लाख छोटी कंपनी है, अरे तुम 6 लाख छोड़ो, तुम लाख भी मान लो कि बड़ी कंपनीज हैं, और बड़ी कंपनीज में तो सीएस होता ही है। 10 करोड़ का पेडअप शेयर कैपिटल क्या चीज़ है यार, 10 करोड़ का पेडअप शेयर कैपिटल मतलब पूंजी। यहाँ तो लक्ष्मी नगर में एक मॉल खोलोगे तो 10 करोड़ रुपया लग जाएगा तुम्हारा, मॉल छोटा सा मिनी मॉल, तो 10 करोड़ पेडअप शेयर कैपिटल बहुत बड़ा कुछ थोड़ी है। उस 10 लाख में से कम 3-4 लाख कंपनी तो ऐसी होंगी जिनका पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, और उन सबको सीएस की जरूरत है। पर भारत में कहाँ 4 लाख कहाँ सीएस है, भारत में तो 70 हज़ार में से 10-20 हज़ार मर चुके हैं पहले, उसमें से भी कुछ लोग मेरे जैसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नौकरी कर ही नहीं रहे। तो बताइए डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है, इतना इतना डिमांड सप्लाई में गैप तो किसी प्रोफेशन में नहीं। इंजीनियर देखो जरूरत से ज़्यादा ही निकल रहा है, एमबीए देखो जो कुछ नहीं बन रहा वो एमबीए बन रहा है। अब बताइए सीएस में देखिए कितना डिमांड सप्लाई में गैप। तो बताओ मैं सच बोलता हूँ, अच्छे प्रोफेशन में हो बढ़िया से 3-4 साल मेहनत करो और देखिए आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ रहेगी, है कि नहीं। फिर आपका भी एक प्रिंसिपल होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे नो टाई डे, है कि नहीं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताइए आप। इधर देखिए, अब तो कंपनीज को रेगुलेट करना है किसको, एमसीए को। मान लीजिए इधर देखिए, मान लो ये पूरी क्लास में जितने 250 बच्चे बैठे हुए हैं, ये 250 कंपनीज हैं। अभी 250 कंपनीज को रेगुलेट करना है तो मुझे पहले 250 कंपनीज के बारे में जानना पड़ेगा। अब जानूं कैसे भाई, कैसे जानूंगा कंपनीज के बारे में? दो रास्ता है, तुम मुझे बताना। अब एमसीए क्या करे कि ये जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज में अपना ऑफिसर बैठा दे। क्या बैठा दे? अपना ऑफिसर बैठा दे। पर अपना ऑफिसर बैठाने के लिए उसको 10 लाख ऑफिसर चाहिए। अरे 10 लाख कंपनीज हैं तो 10 लाख ऑफिसर चाहिए। और रिलायंस जैसे कंपनी में एक ऑफिसर बैठा के तो काम चलने से रहा? वहाँ तो बहुत सारे तुम्हें अपने ऑफिसर्स बैठाने पड़ेंगे। और ऑफिसर का क्या विश्वास, मालूम चल रिलायंस में बैठा है, रिलायंस से घुस खा के उधर ही बैठ गया, वहाँ का इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजेगा एमसीए को? अरे कुछ भी हो सकता है। तो ये रास्ता तो मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं है। तो बोलोगे सर फिर कैसे जानेगा, तो सुनिए दूसरा रास्ता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ इवेंट्स लिख दिए गए हैं। क्या लिख दिए गए हैं? कुछ इवेंट्स। और कंपनी को कहा गया है कि जब भी तुम्हारे यहाँ ऐसे इवेंट्स हों तुम खुद उसकी रिपोर्टिंग करो, तुम खुद उसकी क्या करो, रिपोर्टिंग करो। किसको? एमसीए को। अब एमसीए का मतलब निचले लेवल पे क्या आरओसी है ना, उसके ऊपर कौन? आरडी। और सबसे ऊपर कौन? एमसीए खुद। तो ज़्यादातर फाइलिंग तो किसकी होगी? आरओसी को। अरे आरओसी को फाइलिंग का मतलब एमसीए फाइलिंग हो गई। क्लियर कि नहीं क्लियर? बताओ ये वाला तरीका ठीक है कि नहीं ठीक है, पहले बताइए आप। जैसे अब बोलोगे सर कंपनी को कैसे मालूम चलेगा कौन कौन सा इवेंट, तो कंपनी में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ ना, इसलिए तो सेक्शन 203 कहता है कि हर कंपनी जिसका पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा हो सीएस रखो, क्योंकि सीएस कंपनी लॉ का सबसे बड़ा ज्ञाता है। सीएस रहेगा तो कंपनी को बताता रहेगा साहब अब इवेंट आ गया है, हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी, हमें इसकी क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग खुद ही कर देंगे हम, ये चैप्टर ही तो सिखाएगा कि रिपोर्टिंग कैसे करनी। अब ध्यान से सुनिए, अब रिपोर्टिंग कैसे होता है भाई, तो हर तरीके के इवेंट के रिपोर्टिंग के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। क्या? एक फिक्स्ड फॉर्मेट। क्योंकि अगर आप एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो हर कंपनी अपने अपने ढंग से रिपोर्टिंग करेगी। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ रिपोर्टिंग के बारे में, एक रिपोर्टिंग है कि कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना। क्या पास होना? स्पेशल रेजोल्यूशन, बड़ा रेजोल्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है? बड़ा रेजोल्यूशन। आप सुनिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, मालूम चला ये कंपनी है, ये आरओसी को फोन कर, हेलो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, ये तो गजब ही है, व्हाट्सअप कर रही है ना, और इंतजार कर रही है आरओसी का ब्लू टिक लगेगा। क्या लगेगा? ब्लू टिक। अमाउंट चार आरओसी ब्लू टिक हटाया हुआ है, ठीक है। तीसरा, ये तो सबसे अलग है, फेसबुक पर लिख के आरओसी को टैग कर रही है ना। और ये बच्ची बैठी हुई है इंस्टाग्राम एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम के बारे में मुझे नहीं मालूम क्या होता है, उसमें स्टोरी डालते हैं नहीं तो कैसे आरओसी को कैसे बताएंगे फिर? अच्छा मेंशन कर, ओह मुझे नहीं पता था, मेंशन कर देंगे। अब ये बच्चा देखो, ये तो और अजीब निकला, स्नैपचैट में स्नैप बना रहा है, किसका? स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता हुआ दिखा रहे, ऐसा पास, क्या बोलता है उसको, बुमरैंग, जो ऐसे ऐसे हिलता उलता रहता है। अब बताइए अजीब बात है कि नहीं बात है, पहले बताओ। हर कंपनी रिपोर्टिंग कर रही है स्पेशल रेजोल्यूशन का, पर तरीका अलग अलग है। बताइए आरओसी के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताइए आप। कहा सर कुछ और एग्जांपल बताइए, हमें अच्छा लग रहा था, है ना। जैसे ये बच्चा है आरओसी बिल्डिंग में घुस के आरओसी कान में बोला, आ एसआर पास हुआ है। क्या पास हुआ है? एसआर।
तो बेचारा उसके कान से खून गिर जाएगा। भारत में 10 लाख कंपनीज हैं, 10 लाख कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कान में बोलने आएगा, कान बचेगा उसका? है ना। एक बच्चा बड़ा समझदार, ईमेल किया। क्या किया? ईमेल। पर ईमेल गजब का किया, अटैचमेंट ही छोड़ दिया। लिखा है ईमेल में कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, देखा तो अटैचमेंट है ही नहीं। तो एक पर एक गुरु जी समय इस देश में। तो इसलिए सरकार को तो मालूम है हमारा देश कैसा है, तो सरकार ने कहा हम इसका क्या बना देते हैं, फिक्स्ड फॉर्मेट। और फॉर्मेट का ही छोटा वर्ड होता है फॉर्म। फॉर्मेट का ही छोटा वर्ड क्या होता है? फॉर्म। अब एक बात बताइए, एक फॉर्म है क्या, एक इवेंट है क्या? अब कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ उसकी रिपोर्टिंग करनी, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ उसकी रिपोर्टिंग करनी है, कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी रिपोर्टिंग करनी है, कंपनी का नाम चेंज हुआ उसकी रिपोर्टिंग करनी है, कंपनी का कैपिटल चेंज हुआ उसकी रिपोर्टिंग करनी है, कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अरे लाखों रिपोर्टिंग है यार। अब लाखों रिपोर्टिंग तो लाखों फॉर्म्स, तो फॉर्म का तो आपको नाम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? नाम। तो नाम रखते हैं ये लोग। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, SR पास्ट हुआ तो MGT फॉर्म, फॉर्म नंबर MGT 14। अब MGT क्या है सर? कहा ये कौन सा वर्ड है? जैसा रूल होता है ऐसा ही फॉर्म का नाम होता है। कंपनी मैनेजमेंट रूल्स होगा तो फॉर्म का नंबर क्या होगा? MGT। मालूम चला कंपनी, कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कुछ है तो INC 22। बात समझ में आ रही है? अब INC का मतलब इनकॉर्पोरेशन, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल। निधि कंपनी का कोई फॉर्म है, फॉर्म नंबर NDH। NDH मतलब सर MDH मसाले। अरे निधि कंपनी, NDH का मतलब निधि कंपनी। मालूम चला फॉर्म नंबर SH1, तो सर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, उसका ये फॉर्म है SH। तो जैसा रूल ऐसा फॉर्म। अब उस रूल में 10 फॉर्म है तो SH1, SH2, SH3, SH4, SH5, SH6। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? अब सुनो, तो पहले तुम्हें यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी को कैसे रेगुलेट करता है। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ इवेंट्स लिखवा दिए। क्या लिखवा दिए हैं? इवेंट्स। और कंपनी को कहा जाता है जब भी तुम्हारे यहां ये इवेंट हो तुम खुद हमें बताओ, तुम खुद हमें बताओ। तो आप मुझे अब बताओ कैसे भाई? तो हम तुम्हें एक फॉर्मेट नंबर दे रहे हैं, फॉर्म नंबर। इस फॉर्म नंबर पर सारी डिटेल को भरो और हमें फाइल करो। हमें क्या करो? फाइल करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसी ढंग से इसका मतलब MCA को हर कंपनी के बारे में हर कुछ पता रहता है। अब कुछ लोग बोलेंगे, कुछ बदमाश कंपनी सेक्रेटरी भी तो है क्लास में, क्या बोले मालूम है? हम फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। क्या कर लेंगे आप? हम फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। मैंने बताया इवेंट कहाँ लिखे गए हैं कंपनीज एक्ट में, तो सेक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो अगर तुमने फॉर्म फाइल नहीं किया तो इसका मतलब तुमने सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, तो जाओ जेल। अब कहाँ जाओगे? जेल। अच्छा हर बार जेल नहीं, बहुत बार पेनल्टी जुर्माना लगेगा, जुर्माना हो सकता है ना, जेल हो सकता है। तो ये सब भी, तो चिंता नहीं करना है, सब कुछ भरपूर है। मानिएगा तो अच्छी बात, मानेंगे तो मिलेगी ताली और नहीं मानेंगे तो मिलेगी गाली। हाँ चलो पूछो, क्या पूछ रहे? अब पढ़ेंगे निधि कंपनी पे एक चैप्टर है, कोर्स भरपूर है SBC के अंदर, याद रखना। एग्जीक्यूटिव में कोर्स भरपूर, हर वर्ड पे चैप्टर। ये बोली निधि कंपनी क्या होती है, एक चैप्टर है SBC में, 2-2.5 घंटे लगेगा। तो चिंता एकदम नहीं करना है। आप वर्ड बोलो, मैं चैप्टर का नाम बोलता हूँ। बताइए कंपनी लॉ में कितने चैप्टर पढ़ते हैं? 44, 1200 पेज, कम बड़ी बात नहीं है। SBC में भी बहुत पेजेस है, 800 के आसपास। बताइए कंपनी लॉ और SBC मिला दो तो कितने पेज हो जाएंगे? और AGL भी है, IDT भी है, DT भी है ना। चलिए बेचारा CSEET का जितना सिलेबस नहीं होगा, मेरा तो अकेले डायरेक्टर जनरल मीटिंग देख लेगा, नहीं देख लेगा? CSEET का सारा सिलेबस एक तरफ, मेरा कंपनी लॉ में बस डायरेक्टर और जनरल मीटिंग एक तरफ, बस समझिए 2 चैप्टर अकेले देख लेगा CSEET को, है कि नहीं? तो इसलिए भाई एग्जीक्यूटिव है। अब सुनो, तो ये तो समझ में आ गया कि MCA कैसे रेगुलेट करता है। अब सुनो जरा ध्यान से, होता क्या है? देखो इधर, देखो इधर, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखिए कंपनी लॉ के अंदर MCA के लिए 2006 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ईयर? 2006। इधर देखिए, इधर देखिए, सारे बच्चे सुनते रहो, अभी लाइन बाय लाइन टैली नहीं करा रहा हूं तो बुक क्यों देख रहे हो? मुझे देखो, देखा मुझे? चलो इधर सुनिए, 2006 से पहले और 2006 के बाद। तो जो MCA का वर्किंग है, MCA का क्या ऑब्जेक्टिव है? कंपनीज को रेगुलेट करना। तो रेगुलेट जो करता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स,
2006 से पहले कुछ अलग ढंग से, 2006 के बाद अलग ढंग से। अब सुनो 2006 में हुआ क्या या 2006 से पहले होता क्या था। पहले 2006 से पहले फिजिकल गवर्नेंस होता था, मतलब एमसीए गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना एमसीए, उसका काम है कंपनीज को गवर्न करना। तो कैसे गवर्न करता था? फिजिकली। कैसे गवर्न करता? फिजिकली। अब सुनो फिजिकली में क्या होता था, सारे के सारे फॉर्म्स होते थे फिजिकल फॉर्म्स, सारे के सारे फॉर्म्स क्या होते थे फिजिकल फॉर्म्स। अब इधर देखो सुनो, मालूम चला एक कंपनी है, आप नाम बताइए अपना, स्नेहा, स्नेहा लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है स्नेहा लिमिटेड, उसकी कंपनी सेक्रेटरी स्नेहा है। अब मैं बात कर रहा हूं 2006 से पहले, 2006 से पहले स्नेहा लिमिटेड में एसआर पास हुआ। क्या पास हुआ? स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा फॉर्म? MGT 14। पर MGT 14 उस समय होते थे फिजिकल, तो MGT 14 नाम का फॉर्म ROC ऑफिस में मिलता था। कहाँ मिलता था? ROC ऑफिस। मालूम चला स्नेहा लिमिटेड लक्ष्मी नगर में, तो लक्ष्मी नगर की कंपनी सेक्रेटरी पहले अपने कार में बैठी, फिर वो गई कहाँ? ROC ऑफिस। कहाँ ROC ऑफिस? नेहरू प्लेस, बताया था ना, नेहरू प्लेस में गई। नेहरू प्लेस में गई ROC ऑफिस में, देखा लंबा लाइन, चूंकि इकलौती कंपनी यही तो है नहीं, भारत में 10 लाख कंपनीज हैं, दिल्ली हरियाणा का एक ROC है, मान लो उसमें 2 ही लाख कंपनीज आती होंगी, 2 लाख में से 5,000 कंपनी में भी एसआर पास हुआ होगा, तो 5,000 कंपनी सेक्रेटरी लाइन में खड़ा होगा वहाँ। तो उस लाइन में लगी, सुबह लगी, शाम निकल गया, नहीं पहुँच पाई फॉर्म तक, फिर अगले दिन लाइन में लगी, है ना, फिर फॉर्म तक नहीं पहुँच पाई, अगले दिन रात में वहीं रह गई, तीसरे दिन लाइन में पहुँच गई और वहाँ से फॉर्म खरीद के लाई। क्या लाई? MGT 14 फॉर्म खरीद के लाई। ये होता था पहले जब फिजिकल दुनिया थी तो, ठीक, फॉर्म खरीद के लाई, कंपनी में फॉर्म को भरी, भर के स्टैंप लगाई, अपना साइन लगाई, डायरेक्टर का साइन लगवाई, उसका स्टैंप लगवाई, और फिर चल पड़ी किसके तरफ? ROC के तरफ। फिर वहाँ जाके लाइन में लगी, उसको सबमिट कराई सरकारी खिड़की। कौन सी खिड़की? सरकारी खिड़की। हाथ घुसाई, हाथ वापस नहीं आ पा रहा है बेचारी का। जो हालत हुआ, एक फॉर्म फाइल करने में 3 दिन 6 दिन नहीं लग गए इसको, और कितना मेहनत लगा। क्या ये कंपनी सेक्रेटरी ये सब करने के लिए बनी थी, लाइन में लगने के लिए? तो पहले बड़ी दिक्कत होती थी, पहले क्या होता था, बहुत दिक्कत। MCA को 2006 में लगा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं, ROC से पागल हो गया था, फॉर्म बेचते फॉर्म लेते ही पागल हो गया था। अरे ROC का काम था कि जो फॉर्म मैं तुम्हें फाइल करूं उल्टा के देखो कि मेरे में कोई गलती उल्टी तो नहीं है, लेकिन कहा फॉर्म पहले लेके सही से सजा दूं, इसी में जिंदगी कट गई भाई उसकी। तो उस समय कोई चेकिंग वेकिंग होता नहीं था, बेचारा फॉर्म संभालते संभालते जिंदगी गुजार देता था। मतलब ROC जब रिटायर होता था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बोलता था क्या सीखे? मैंने काफ़ी अच्छा फॉर्म मेंटेन किया। कहा कभी ऑडिट किए किसी कंपनी का? टाइम ही नहीं मिला। मतलब पागल हो गया था वो, 10 लाख कंपनीज का फॉर्म, बताइए कम बड़ी बात है। तो सुनिए 2006 में क्या हुआ, सरकार को लगा नहीं ऐसे तो होने वाला नहीं, क्वांटिटी वर्क हो रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, कहीं पेपर वर्क को खत्म करो। किसे खत्म करो? पेपर वर्क को। तो MCA ने एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इंटरनेट, ई का मतलब इंटरनेट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट को किसने बनाया? TCS, नाम सुना TCS का? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जानते हैं टाटा की फ्लैगशिप कंपनी है TCS, बहुत बड़ी कंपनी है, कहा जाता है भारत में इंडियन रेलवे के बाद, किसके बाद? इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कौन कंपनी है? TCS। सरकारी क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा नौकरी देता है? इंडियन रेलवे। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी कौन देता है? TCS, टाटा की कंपनी है ना, मालूम है TCS के बारे में। तो TCS ने ये प्रोजेक्ट बनाया था, TCS और लॉ प्रोफेशनल्स, चूंकि देखिए MCA प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो कंपनी एक्ट का प्रोजेक्ट हो गया, अब कंपनी एक्ट में तो लॉ है, तो लॉ वाले लोग भी बैठे हुए थे, जैसे CSOS बैठा हुआ था, उधर से TCS का इंजीनियर बैठा हुआ था, दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? MCA 21 में क्या किया गया, सारे की सारी गवर्नेंस के तरीकों को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट बेस्ड। कौन बेस्ड? इंटरनेट बेस्ड। और ये जो फिजिकल फॉर्म से, इसको बदल दिया ई फॉर्म्स में। कहां बदल दिया? ई फॉर्म्स में। जहां पहले फिजिकल फॉर्म्स कहां मिलते थे तुम्हें बताओ? ROC के ऑफिस में। अब वही सारे फॉर्म्स, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स कहीं रखे थोड़ी जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया कौन है भाई? तो MCA का वेबसाइट। MCA का वेबसाइट का क्या नाम है? MCA 21 वेबसाइट, www.mca.gov.in, ये है वेबसाइट। अब यही वेबसाइट आपके लिए ऑफिस है, सारे फॉर्म्स आपको यहीं मिलेंगे। तो देखो कितना आसान हो गया, सोचो इधर देखो, इधर देखो,
ये बच्ची स्नेहा, ये पुराने जमाने की कंपनी सेक्रेटरी थी। 2006 से पहले क्या स्थिति थी? एक फॉर्म खरीदना, फिर लाना, फिर लिखना, फिर स्टैम्प मारना, फिर जमा करना, सरकारी ऑफिस का चक्कर काट काट के परेशान हो गए, जिंदगी तबाह हो गई, सब कुछ खराब हो गया। वो बच्चे, क्या नाम है आपका? आपके पीछे तुम बच्ची हो, तुम बच्चा है, बच्ची हो, अनुषा, नए जमाने की कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी सेक्रेटरी बनी 2014 में। कब बनी? 2014 में। तो 14 में तो 2006 के बाद है। तो क्या तब तक एमसीए ई गवर्नेंस कर रहा था? अब देखो उसके यहाँ एसआर पास हुआ। क्या पास हुआ? एसआर। तुरंत गई mca.gov.in, मतलब अपनी सीट से हिली तक नहीं। आप जानते हैं एमसी जो सीएस होता है उसका एक केबिन होता है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के एकदम बगल वाला केबिन किसका होता है? कंपनी सेक्रेटरी का, एकदम एसी प्रॉपर, एकदम रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठी हुई है एकदम साहिबा की तरह, ठीक है। इसके सामने लिखा कंपनी सचिव, दो प्यून उधर, दो प्यून उधर, कुछ कुछ देर में घंटी बजा बजा के पान मंगवाती रहती है, खाती रहती है, क्योंकि इसको कहीं जाना तो है ही नहीं। तुरंत क्या करी? कंप्यूटर खोली और mca.gov.in, वहां पे कौन सा फॉर्म खोजी? MGT 14, डाउनलोड की। क्या की? डाउनलोड की, और ऑनलाइन ही डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर में उसको फिल कर दी, और फिल कर सबमिट बटन पे क्लिक कर दी, फॉर्म चला गया आरओसी ऑफिस। क्या इसका 6 दिन का जो लंबा चौड़ा कहानी था, क्या वो बच गया इसका? क्या ये एसी से बाहर निकली? क्या आपने सीट को छोड़ी? क्या ये 3, 4, 5, 6 दिन का चक्कर काटी? ना, बहुत हुआ 5 मिनट। अगर ये फॉर्म भरने में थोड़ी सी हो सकता कुछ नॉलेज, कुछ अटैचमेंट, कहीं साइन वाइन करवाना था, लो 1 घंटा। अब समझ में आया पहले? तो आजकल जो काम हो रहा है कंपनी सेक्ट के अंदर वो फिजिकल हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक? फिजिकल गवर्नेंस खत्म कब? 2006 में। ई गवर्नेंस कब आया? 2006 में आया। उसके बाद 2000 अभी तक क्या चल रहा है? ई गवर्नेंस ही चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। तो एक बात बताइए, एमसीए ऑनलाइन, तो एमसीए का सारा काम करने वाला कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को सारा ऑनलाइन इंफ्रा पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? MCA 21 प्रोजेक्ट। क्या पढ़ाऊंगा? MCA 21 प्रोजेक्ट। अब एक बात बताइए, इस प्रोजेक्ट का नाम MCA 21 क्यों रखा गया? MCA का मतलब तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 21 का मतलब 21वीं सदी में अगर ये मंत्रालय होता तो कैसा सर्विस देता? हर कुछ ऑनलाइन होता। अरे 21वीं सदी जब बोलते हैं तो किसकी दुनिया है वो? टेक्नोलॉजी की। तो कह रहा है कि 2006 में ही हम MCA 21 प्रोजेक्ट लाके अपने स्टेक होल्डर को वो सर्विस देना चाहते हैं। जो सर्विस कौन देगा? 21वीं सदी का मंत्रालय। और 21वीं सदी का मंत्रालय तो क्या होगा? ऑनलाइन। सब कुछ क्या होगा? ऑनलाइन। आजकल देख रहे हो हर चीज ऑनलाइन होता जा रहा है। अरे हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, आजकल लोग शादी भी अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, वीडियो कॉल पे आशीर्वाद दे रहे हैं जी। अच्छा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले बताइए? पूजा भी ऑनलाइन हो रहा है? हाँ पंडित जी उधर ही एकदम वीडियो कॉल पे ओम भ्रीम ईम भ्रीम कोल्ड क्रीम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पहले बताइए आप। तो आजकल सब कुछ क्या हो रहा है? ऑनलाइन। तो 21वीं सदी, अच्छा 21वीं सदी आएगा या आ चुका है? हम लोग 21वीं सदी में ही चल रहे हैं। तो कहते हैं 21वीं सदी जब तक खत्म होगा, ऐसे तो बहुत लोग हम लोग नहीं रहेंगे उस समय तक, क्या आप नहीं रहेंगे समझे, हम तो पूरा रहेंगे, है ना? अच्छा रहोगे तुम लोग, मतलब 2090 तक रहोगे? सर हम 70 साल के होंगे उस समय। हाँ शायद तुम लोग रहोगे, नहीं रहोगे तुम लोग 2090 तक नहीं रहोगे? कहा सर हम तो किसी दूसरे के लिए मरने वाले हैं, है ना, कसम खाएं कि वो मरा और हम मरे इधर, है कि नहीं? चले ध्यान से सुनिए आप। हाँ कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग शायद ना रहें, है कि नहीं? जब तक 21वीं सदी खत्म होगा, वो जो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता था कि लोग वो छोटे छोटे पॉड में ऊपर हवाई यात्रा करते रहेंगे, बाजार हवा में होगा इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिएगा सच में हो जाएगा। साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, है कि नहीं? सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? तो 2006 से ये प्रक्रिया शुरू हो गई कहाँ? MCA में। तो MCA 21 समझ में आ गया, 21वीं सदी का कौन? MCA। तो इसलिए नाम क्या हो गया? MCA 21 प्रोजेक्ट। MCA 21 प्रोजेक्ट लाके MCA क्या दिखाना चाहता है? हम 21वीं सदी का सर्विस आज ही देंगे आप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताइए आप। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, इसमें से कुछ उतारना उतारना तो नहीं है तुम लोग को? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये उतार लेना चाहिए, ये उतार लिया तुम लोगों ने, चलो ठीक। तो आज किसी बच्चे से मैं पूछूं, आज MCA कैसे काम कर रहा है, ऑनलाइन या फिजिकल? ऑनलाइन। फॉर्म्स कैसे मिलेंगे, फिजिकल या ई फॉर्म्स?
सारे के सारे फॉर्म्स अब आपको ई फॉर्म्स मिलेंगे। और ये चैप्टर चूंकि थोड़ा प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट पढ़ाना ना मुझे, तो अभी मैं एमसीए का वेबसाइट भी खोलूंगा और इस चैप्टर को खत्म करते करते तक तो मैं ई फाइलिंग भी सिखा दूंगा। तो मैं ई फाइलिंग सीखना है, ऑनलाइन फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग भी सिखा दूंगा, उसके लिए अलग से 500 रुपया चार्ज है। क्या नहीं पढ़ेंगे, छोड़िए, एग्जाम में जो आ रहा है वो बता दीजिए बस। सुनिए, एक्चुअली मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो मैं ये सारा काम करता हूँ। देखिए यही होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी से पढ़ना और नॉन कंपनी सेक्रेटरी से पढ़ना। आप नॉन कंपनी सेक्रेटरी से पढ़ते तो ये चैप्टर वो इंग्लिश से हिंदी कर देता, क्या कर देता, इंग्लिश टू हिंदी ओनली। लेकिन मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट दिखाऊंगा। चूंकि सुनो, ये चैप्टर तुमको कब काम आएगा, एग्जाम में 5 मार्क्स देगा। कितना मार्क्स देगा ये, 5। पर सीएस बनने के बाद डेली तो यही काम करना नहीं करना है। ये चैप्टर तुम्हें ज्यादा कब याद आएगा, जब तुम ट्रेनिंग में जाओगे। कहाँ जाओगे, जानते हो ना ट्रेनिंग होता है सीएस का, 22 महीने के ट्रेनिंग में किसी पीसीएस के अंदर ट्रेनिंग करोगे या किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग करोगे तो सेक्शन थोड़ी सुनेगा, वो क्या बोलेगा, चले इधर आ, 4 सेक्शन सुना। अरे सेक्शन रटना पटना एग्जाम के लिए होता है, लेकिन सेक्शन का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, कहेगा एसआर पास हुआ कंपनी में MGT 14 फाइल कर। क्या फाइल कर, MGT 14। कहा सर पूरा सेक्शन याद है पर वेबसाइट देखने नहीं आता। तो कहेगा सेक्शन सुन के पैसा दूंगा, काम कर। क्या कर, काम कर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो काम कहाँ होगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन। कौन सा वेबसाइट, MCA वेबसाइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा अब MCA का वेबसाइट, देखना चाहोगे। yes, चलो हटाऊं क्या इसको, yes, ये लो हटा दिया मैंने। हाँ जी, एक काम करो यार, थोड़ा सा ना पहले ये पढ़िए आप, और लाइन बाय लाइन पढ़ना सबसे अच्छा होता है दुनिया में। पढ़िए तो इसको, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ, देखो तो चेक करो तो, जोर जोर से। जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है। जो जो मैंने बोला था वो लिखा हुआ ना। अब देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ने से कॉन्फिडेंस आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लिख दोगे, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट भी चाहिए और लाइन बाय लाइन भी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, MCA ने जो अपने काम करने के तरीकों को पूरा चेंज कर लिया, तो क्या वो कंपनी एक्ट से बाहर है या कंपनी एक्ट के हिसाब से किया। कंपनी एक्ट के हिसाब से, अरे MCA का काम है कंपनी एक्ट को इंप्लीमेंट करना, कंपनी एक्ट का कॉन्ट्रावीन थोड़ी कर देना। तो देखो कौन सा सेक्शन मदद करता है, सेक्शन 398 ने परमिट किया हुआ है किसको, MCA को, कि तुम चाहो तो जितने भी एप्लीकेशन की फाइलिंग होनी है, डॉक्यूमेंट की फाइलिंग होनी है, इंस्पेक्शंस होने हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। तो फाइलिंग्स भी हो सकती हैं और इंस्पेक्शंस भी हो सकते, फाइलिंग ऑनलाइन होगा तो इंस्पेक्शन भी क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा ना, है कि नहीं। तो सेक्शन 398 बेस है ई फाइलिंग का, सीधा यहाँ लिखो क्या, ई फाइलिंग। अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले कि बताइए ई फाइलिंग जो कंपनी एक्ट के अंदर हो रही है किसी सेक्शन में लिखा हुआ है क्या, यस सेक्शन 398 ने परमिट किया है कि हम सारी के सारी फाइलिंग्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और वही आजकल हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो MCA 21 प्रोजेक्ट आ गया, चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो अब चीज़ें ऑनलाइन जो हुई हैं, जैसे फाइलिंग अब हम करेंगे तो ऑनलाइन फाइलिंग क्या होगी, अब ऑनलाइन, तो ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। मतलब ऐसे कोई कंपनी सेक्रेटरी कहा कि नहीं मुझे कंप्यूटर उतना नहीं आता है, मैं तो फिजिकल फाइलिंग करूंगा, जा रहा हूँ ROC ऑफिस घूम के आता हूँ, क्या ये अलाउड है क्या, या ऑनलाइन मैंडेटरी हो चुका कि नहीं अब ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन भी या ऑनलाइन ही। तीसरा बच्चा घी, मतलब अजीब हालत। कुछ बच्चा एकाएक उठता है क्लास में, जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चा घर पे बैठ के देख रहा हो, एकाएक अभी रजाई से निकला हो, आई लग कहां घी, जल्दी बताओ ऑनलाइन भी या ऑनलाइन ही। कितने लोग बोल रहे ऑनलाइन ही, और कितने लोग बोल रहे ऑनलाइन भी। द आंसर इज भी और ही में से कुछ हो सकता है, यही ना। जब मैं भी बोलता हूं इसका मतलब दो ऑप्शन है, और जब मैं ही बोलता हूं तो एक ही ऑप्शन है। द आंसर इज ऑनलाइन ही और भी में से कुछ भी हो सकता है। कहा जल्दी बोलते हैं, गोली मारूं आपको अब। चलिए सुनिए आप, द आंसर इज, इस प्रश्न का उत्तर है द ऑनलाइन
ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मुझे। ऑनलाइन ही, याद रखिएगा सिर्फ ऑनलाइन। MCA 21 प्रोजेक्ट एक्चुअली होता क्या, इधर देखो, शुरू में जब प्रोजेक्ट लाते हैं तो लोगों को मालूम तो रहता नहीं है, तो शुरू में ऑप्शन देते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि अच्छा 2006 से 2022, अब तो 23 हो गया है, नहीं हो गया 2023 कितने साल हो गए बताओ, कम मैथ्स कम जोड़े, ये क्या कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, 2023 माइनस 2006 भैया 16 साल में तो सबको पता चल ही गया हो। गुरु शिष्य परंपरा होता है, सिर्फ गुरु बनाना होता है, फिर गुरु अपना शिष्य बनाता है, फिर शिष्य गुरु बन के आगे बढ़ाता है, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू चलता है ना चीज़ें, है कि नहीं। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो किसी से पढ़ाऊंगा, फिर मैं जितनों को पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोई बच्चा आगे जाके पढ़ाएगा, न्यू NKJ क्लासेस खोलेगा, मेरे बगल में ही खोलेगा, है कि नहीं। तो ये तो चलता रहता है, 16 साल बहुत होता है, 16 साल में सबको पता चल चुका है, अब ये मैंडेटरी है, ऑनलाइन ही चलेगा भी। इसी तो हमारा ICSI, पहले ICSI फिजिकल था, जब मैं CS करता था फिजिकल था, हम लोग ICSI के सेंटर में जाते थे, वहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म खरीदते थे, भरते थे, जमा करते थे, एक दिन खराब, अब एक दिन जाने आने में खराब हो जाता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन ICSI के वेबसाइट पर तुम्हें फॉर्म मिल जाता है, मिल जाता है, नहीं हद तो तब क्या, ये लोग CSWT का एग्जाम भी ऑनलाइन ले ले रहा, हद तो वहाँ है, CSWT के बच्चों को तो एग्जाम देने घर से भी बाहर नहीं निकलना है, घर से एग्जाम दे दो, है कि नहीं। तो देखिए कितनी चीज़ें ऑनलाइन, अच्छा एक बात, वहाँ ऑप्शन है या जो वो ऑनलाइन बोले ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही है, भी चल रहा नहीं, याद रहेगा ठीक। हाँ कहीं कहीं भी होता है, अब जैसे तुम्हारा ट्रेन का टिकट बुकिंग तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, और उनके सेंटर पे जाके जैसे स्टेशन पे नहीं खरीदते टिकट, आप टिकट भी खरीद सकते हो, तो कहीं कहीं ऑप्शनल है, पर MCA के अंदर ये क्या है, आपका मैंडेटरी है, ऑनलाइन ही होती है, सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरा बच्चा हमेशा कॉम्पिटिशन में आगे रहेगा, क्यों आगे रहेगा सो सुनो, मैं यहीं पर तुम्हें ई फाइलिंग सिखा दूँगा, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। जब तुम ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू लेने वाला एक CS होगा तुम्हारा, वो CS एक बच्चा से पूछा क्या तुम्हें कंपनी सेट आता है, हाँ हाँ कंपनी सेट आता है, तो कंपनी सेट में क्या तुम्हें फाइलिंग आता है, नहीं सेक्शन याद किया, आता कुछ नहीं है। और एक मेरा स्टूडेंट, सर सेक्शन भी आता है और कंप्यूटर भी आता है, ई फाइलिंग भी आता है, सर ने क्लास में सिखा दिया था, हाँ वो अलग बात है कि पूरा नहीं सिखाया, क्योंकि पूरा सिखाना तो नहीं है अभी, ट्रेनिंग में क्या सीखोगे तब, लेकिन इतना सिखा दूंगा कि तुम इंटरव्यू में दूसरों से आगे रहोगे। तो सीधी सी बात है, CS उसी को रखेगा जिसको पहले से मालूम हो, उसको लगेगा चलो ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, ये काम शुरू कर दे, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो कॉम्पिटिशन में अगर आगे रहना है तो इसको अच्छे से समझो। तो चलो जल्दी से MCA का वेबसाइट देखने का मन है, ये लो MCA का वेबसाइट तुम्हारे सामने रहा, ये कहा सर तो मोदी भाइयों बहनों हैं, अब ये तो हर जगह ही दिखते हैं। चलिए भाई MCA का ऑफिस का एक बार टूर करें, MCA की वेबसाइट का, क्योंकि अब यही हमारे लिए ऑफिस है, जब चीज़ें फिजिकल हैं ही नहीं तो भाई ROC ऑफिस जाके क्या करोगे, RD ऑफिस जाके क्या करोगे, मंत्रालय जाके क्या करोगे, सारा काम कहाँ हो रहा है। आजकल देखो बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे मिल जाएंगे जो ICSI के नहीं गए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे क्लास में जो आज तक ICSI की कोई ऑफिस में गए ही नहीं। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो ICSI आज तक गए नहीं, देखो एग्जीक्यूटिव में बैठा हुआ, इसका मतलब CSWT पास किया होगा, CSWT पास वाला बच्चा पूरा CSWT कर लिया पर ICSI का मुंह तक नहीं देखा, क्यों, ऑनलाइन। तो इसी तरह वो ROC ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, RD ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट MCA के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, सब ऑफिस कहाँ मिलेगा आपको, वेबसाइट, वेबसाइट ही हमारे लिए क्या है, ऑफिस, ऑफिस है या ऑफिस है, कुछ जगह पे ऑफिस, ठीक है। चलिए MCA का ऑफिस देखिए क्या लिखा हुआ, बोलते चलो, अच्छा कंपनी रजिस्टर करना है, ऑनलाइन हो जाएगा, अरे MGT 14 चाहिए, मिल जाएगा यहाँ पे, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड लिखा हुआ ना, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, अब ये लो मौत भी दे दो, क्या दे दो, कंपनी को जिंदा भी करो और मौत भी दे दो, ये लो। अच्छा क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट, मतलब ये जो MCA है सिर्फ कंपनीज एक्ट को चलाता है या LLP को भी चलाता है, तो ये लो भाई LLP को भी स्टार्ट कर दो, LLP को भी मौत दे दो। हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर कौन है अभी, निर्मला सीतारमण नहीं रमन, और स्टेट मिनिस्टर कौन है, इनको आप लोग नहीं जानते होंगे ना, पर निर्मला सीतारमण को तो आप जानते ही हैं, ये प्याज नहीं खाती हैं, तुम लोग कुछ मालूम उलूम है, एक इंटरव्यू हुआ था इनका, इनसे पूछा गया कि प्याज इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, तो मैं तो प्याज खाती नहीं,
तो उसी दिन से मुझे मालूम चला कि प्याज खाती नहीं, जो भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं ये नहीं खाती, है कि नहीं। जैसे आईफोन मैं चलाता नहीं, है कि नहीं, ये मतलब हुआ ना, क्योंकि वो महंगा है। तो ये बात है, बताइए। फिर नोटिफिकेशंस आ गए, ये देखो यहाँ पे ये सब क्या आ रहा है, जल्दी बताओ ये सब, ये देखो सबका सब क्या है, नोटिफिकेशंस है ना। उसके बाद पढ़ते चलो, ठीक है। देखिए तो कौन कौन से वेबसाइट का लिंक दे रहा है ये, ये सब किसका है, एमसीए का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एमसीए, एमसीए को मालूम है कि मेरा काम कौन करता है, सीएस, इसलिए इसने देखिए ये सीएस के भी वेबसाइट का लिंक दिया। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट का चलता है, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में किसका चलता है, सीएस का। क्योंकि एमसीए के पास जितने भी कानून हैं उसमें सबसे बड़ा कानून कौन है, कंपनी एक्ट, और कंपनी एक्ट का सबसे बड़ा ज्ञाता कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। आइए दिखाता हूँ कि कौन कौन सा एक्ट इनके हाथ में है, जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, एक्ट एंड रूल्स। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखो कौन कौन सा एक्ट ये चलाता है, कंपनीज एक्ट चलाता है, कंपटीशन एक्ट चलाता है, मॉड्यूल सेकंड में तुम्हारा एलएलपी एसबीसी में है, पार्टनरशिप एक्ट ईबीसीएल में है, आईबीसी तुम्हारा एसबीसी में है। आगे देखो, पता नहीं कले में कुछ दिक्कत है आज, पता नहीं काम नहीं कर रहा है यार, है ना। तो ये देख लिया, और भी एक्ट देखो। आगे देखो, हाँ ये कौन सा एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो हमारा भी एक्ट कौन चलाता है, एमसीए। और बोलो, और बोलो। अब देखिए यही कहते हैं ना बहुत लोग, सीए को लोग ज्यादा जानते हैं, तो इसका एक्ट आ गया 1949 में, सीडब्ल्यूए आ गया 1959 में, और सीएस देखो सबसे लेट आया। तो अभी भाई हम अगर सीए से 30 साल नए हैं तो 30 साल का टाइम में तो हमें भी थोड़ा टाइम लगे, हमारा भी प्रचार प्रसार होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग सीएस को नहीं जानते हैं तो सीएस वैल्यूएबल नहीं है। हम दुनिया में बहुत कुछ नहीं जानते हैं पर वो वैल्यूएबल होती हैं, होती है कि नहीं होती, पहले बताइए आप। 30 साल का फासला है भाई, 30 साल का फासला तो रहेगा ही ना, है कि नहीं। अब लोग सीएस को भी जानने लगे हैं और खूब जानने लगे हैं, तो ये बोलने की बात है। और देखिए तीनों में से इसका कहा जाता है एमसीए के तीन बेटे, सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस। देखो तो सबसे जवान बेटा कौन है, और जो सबसे जवान है वही तो सबसे एक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है वही तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वही तो सबसे वैल्यूएबल है कि नहीं, पहले बताइए आप। बाकी तो बूढ़े हो गए, है कि नहीं, हम हमेशा जवान रहेंगे, इन दोनों से तो हमेशा जवान रहेंगे ही, है कि नहीं, अनलेस एंड अंटिल उनका एक्ट खत्म हो और फिर से जन्म हो। पर जब तक ये तीन एक्ट रहेगा वी विल ऑलवेज बी अ जवान, हम हमेशा क्या रहेंगे, है ना। तो देखिए बोलने वाले इसको बोल सकते हैं देखिए ये एक्ट सबसे पुराना आया, हम उल्टा बोलते हैं ये एक्ट सबसे लेट आया, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जवान है, मॉडर्न है। सीएस का बच्चा मॉडर्न ही होता है, आप सीए के बच्चे को देख लीजिएगा चप्पल पहन के क्लास में घुस गया, पर सीएस का बच्चा आती एसी किधर, एसी किधर है, पहले एसी गिनेगा, हाई फाई देखेगा तब वो क्लास ज्वाइन करता है। सीएस का बच्चा कहा भी जाता है तीनों इंस्टीट्यूट में से सबसे मॉडर्न कौन है, सीएस इंस्टीट्यूट, ऐसा कहा जाता है। और सीएस के बच्चे तो मॉडर्न है ही, इनके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही ग्लैमर है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत, हाँ जी। अब जरा ध्यान से सुनो, आपने एमसीए का देख लिया ना, अब एमसीए का फॉर्म्स दिखा दूँ थोड़ा बहुत। ई फॉर्म देखना चाहोगे तुम लोग, अच्छा चलो। ई फॉर्म कहाँ मिलेगा, एक्चुअली ये चैप्टर खत्म होते ही प्रेजेंटेशन होगा, किसी भी बच्चे को उठाऊंगा यहाँ बुलाऊंगा और बोलूंगा ये ई फॉर्म मुझे डाउनलोड करके दिखाओ और ये ई फॉर्म फाइल करके दिखाओ। जब तक आप अपने हाथ से करेंगे नहीं आपको फ़ायदा होगा नहीं, अभी नहीं पूरा नॉलेज देने के बाद। कुछ बच्चों को जहाँ मैंने बोला प्रेजेंटेशन, आज ही कोचिंग छोड़ता हूँ, ये हमें पसंद नहीं है स्टेज पर कोई हमें बुलाए, है ना। चलिए इधर देखिए, आप जाइए एमसीए सर्विस में, खोज ढूंढ दो कहीं पे एमसीए सर्विस दिखा, बोलो तो क्या क्या है इसमें। डीएससी सर्विस अभी पढ़ाना है तुम लोगों को, डिजिटल सिग्नेचर, डिन सर्विस, एलएलपी ई फाइलिंग, एलएलपी सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग मिला, ये है ना कंपनी ई फाइलिंग, क्लिक करो इस पर। आ गया क्या, आ गया, थोड़ा सा रुको दिखाता हूँ अच्छे से, ये लो। हाँ अब बताइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आपको अप्रूवल वाले फॉर्म चाहिए, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मतलब एमसीए का ऑफिस, तो ये सारे फॉर्म है। कौन कौन सा फॉर्म आ रहा है, फॉर्म CRA 2, फॉर्म CG 1, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, RD ऑफिस से अप्रूवल लेना है, उसके फॉर्म से आ रहे ADT 2, INC 18, INC 23, ADJ, RD 1, RD GNL 1, NDH 2, बताया था ना ये सारे फॉर्म के नाम है।
आर ओ सी अप्रूवल चाहिए, एस टी के 2, आई एन सी 6, आई एन सी 24, एम सी एम एस सी 1, एम एस सी 4, जी एन एल 1, आई एन सी 12, एफ टी ई। कुछ बच्चों को लग रहा हो इतने फॉर्म्स याद कैसे होंगे, मुझे भी पहले लगता था जब मैं सी एस में एंट्री मारा था ना, तो मुझे लगता था इतने सेक्शन याद कैसे होंगे। तो मैंने एक दुकान वाले से ऐसे एक दिन पूछा कि यार तुम्हारी दुकान में इतने सामान हैं, कैसे याद रखते हो कि कौन सामान कितने दाम का है। तो कहा तुम लोग कैसे सारे सेक्शन याद रखते हो, ऐसे हम भी याद रखते हैं। इसका मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं, एक ही सेक्टर में जब दिन रात घूमते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। आपको ये सब याद हो जाएगा, आज पहला बार देख रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलो 1% कंपनी यहाँ देख लो, चेन सर्विसेज, आई एन सी 3, आई एन सी 4, आई एन सी 22, आई एन सी 27, एस एच 7, डी आई आर 12, एफ सी 2, एफ सी 3, जी एन एल 3, डी आई आर 3, डी आई आर 5, डी आई आर 6, सी एस आर 1, आई एन सी 22। इनकॉर्पोरेशन वाला आया देखो तो, ऊपर निकल गया इनकॉर्पोरेशन है, कहाँ निकल गया इनकॉर्पोरेशन वाला, कहाँ इनकॉर्पोरेशन? नहीं नहीं इनकॉर्पोरेशन नहीं आया अभी, कहाँ आया? नहीं नहीं डिन फॉर्म्स हैं, इनकॉर्पोरेशन सभी सब आया है ना, सी एस आर 1, आई एन सी 22 ए, आई एन सी 3, एफ सी 1 है ना, ये सारा चीज़। अब मान लो किसी भी फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, जैसे तुम्हें कोई फॉर्म चाहिए तो उसमें आपको क्या करना, क्लिक। देखो सिखा देता हूँ कैसे होता है। यहाँ फॉर्म ये दो तरीके का देगा, एक देगा सीधा फॉर्म और एक देगा ई फॉर्म विद। अब देखिए जब तुम शुरू शुरू में सी एस बनोगे तो तुम लोगों को फॉर्म के बारे में कम जानकारी होगी, तो तुम इंस्ट्रक्शन किट के साथ लेना, तो थोड़ा फॉर्म का जो साइज है वो थोड़ा भारी रहेगा, इंस्ट्रक्शन किट भी जोड़े रहेगा ना। और जैसे हम लोग हैं, हम लोग सीधा कौन उठा लेते हैं, ई फॉर्म, हम लोग इंस्ट्रक्शन किट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम एक्सपीरियंस हो चुके हैं अब, है ना। तो शुरू में लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन किट वाला लेते हैं फॉर्म, और हम लोग सीधा क्या उठा लेते हैं, ई फॉर्म। मान लो किसी भी फॉर्म पर क्लिक करूँगा, देख रहा हूँ ना, देखे लग रहा है क्लिक होने वाला है, जहाँ क्लिक करूँगा ये पूछेगा कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना है क्या, जहाँ भी डाउनलोड करना है वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए डाउनलोडेड फॉर्म मेरे पास पहले से है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो INC 32, ये देखो ये कौन सा फॉर्म है, देखो स्पाइस का मसालेदार फॉर्म है भाई, है ना, फुल फॉर्म बोलो स्पाइस का। ये है ई फॉर्म, क्या है, मैंने MCA के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया। अब देखिए ये फॉर्म है, फॉर्मेट है, अब यहाँ पे मुझे इंग्लिश चाहिए, हिंदी, हिंदी पे क्लिक करूँगा तो हिंदी मिलने लगेगा, इंग्लिश पे इंग्लिश, है ना। उसके बाद मैं यहाँ कंपनी का नाम डालूंगा कि कौन सी कंपनी है, प्रोड्यूसर है, न्यू कंपनी है, सेक्शन 1 कंपनी है, है ना। ऐसे करके मैं सारा फॉर्म भर दूंगा, सारा फॉर्म क्या करूंगा, फिल कर दूंगा। और सारा फॉर्म फिल करने के बाद ये देखो अटैचमेंट आ रहा है, कुछ अटैच करना है तो जैसे ईमेल में अटैच नहीं करते, उसके बाद देखिए लास्ट में जाके सबमिट बटन आ रहा है, ये देखो यहाँ पर सबमिट, सबमिट बटन जहाँ क्लिक करूंगा ये फॉर्म अपने आप फाइल हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलोगे सर सबमिट बटन अभी एक्टिव नहीं हुआ, चूँकि फॉर्म भरा कहाँ है, अभी पूरा फॉर्म भरूंगा तब ना एक्टिव होगा ये। अब इसमें मैं देखिए यहाँ सिग्नेचर लगा है, देखो यहाँ पर सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इनसे करा सकते हैं, इनसे करा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस से करा सकते हैं, या एडवोकेट से भी करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ टिक मारूंगा कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तुरंत मेरे से पूछेगा मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप नंबर बताऊँगा, COP नंबर बताऊँगा, उसके बाद अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाऊंगा, उसके बाद ये फॉर्म अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, सबमिट बटन क्लिक करते फॉर्म चला जाएगा। तो देखा जाए तो काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन इसका पूरा प्रोसीजर अभी हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ये तो ऊपर ऊपर से मैंने बताया है कि नहीं। अब बोलोगे सर डिजिटल सिग्नेचर दिखा दीजिए, तो ये देखो डिजिटल सिग्नेचर भी तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो ये एक फॉर्म भरा हुआ है, ये फॉर्म क्या है, फॉर्म भर के रख सकते हैं आप और ज़रूरत पड़ने पर उसको फाइल कर दीजिए, है ना। तो देखिए इधर यहाँ देखो ये सब कुछ फॉर्म भरा हुआ है, ये देखो यहाँ अटैचमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए डिजिटल सिग्नेचर हुआ हुआ, ये देखो अभी जो फॉर्म दिखाया था उसमें खाली था और इसमें भरा हुआ है, और इसमें किसने साइन किया, इस कंपनी के डायरेक्टर ने, दैट इज कवि नेहरा, और यही इसका डिजिटल सिग्नेचर है। तो बच्चों को क्या लगता है डिजिटल सिग्नेचर ऐसा होगा कुछ है, ये तो स्कैन सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर ऐसा होता है। अभी मैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ाऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से खरीदा जाता है, कैसे लगाया जाता है, अभी आपको दिखा दिया, कहते हैं आप एक बार देख लेते हैं, सींग इज बिलीविंग, जब एक बार देख लेते हैं तो आपको, अब जब भी DSC बोलूंगा डिजिटल सिग्नेचर तुमको ये याद आ जाएगा और तुमको अच्छे से फिर समझ में आएगा। तो देख लिया डिजिटल सिग्नेचर, कुछ लोगों को तो एकदम देख के बेचारे गए, एकदम कोई ग्लैमर ही नहीं है साइन में, थोड़ा ऐसे वैसे होता तो लगता है कि हाँ सिग्नेचर हुआ है। ये डिजिटल सिग्नेचर है, इसके अंदर कुछ कीज़ होते हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, हैश फंक्शन, ये सब पढ़ोगे तुम कोर्स में, कोर्स भरपूर है, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए जी जरा देखने किसका सिग्नेचर मांग रहा है, सो भी देखो, या तो डायरेक्टर का,
या मैनेजिंग डायरेक्टर का या सीधा कंपनी सेक्रेटरी का, है कि नहीं, या सीईओ का, सीएफओ का, कहीं लिखा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कहीं लिखा है सीडब्ल्यूए, आईआईटी का इंजीनियर, आईएम का एमबीए, हैं, त्रिपुटिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किसका नाम आ रहा है सेफ, कंपनी सेक्रेटरी। तो भाई अपने आप को जानिए कि आप कितने वैल्यूबल हैं, है ना। अपने पे विश्वास रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते, है कि नहीं। चलो जी अब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, हेडिंग बोलो, अरे हेडिंग बोलो यार, जोर से क्या कर रहा है सब। अच्छा एमसीए के ये जो एमसीए 21 प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का फायदा कहां तक मिलेगा, एमसीए के ऑफिस तक मिलेगा। तो एमसीए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब एमसीए का हेडक्वार्टर शास्त्री भवन, दूसरा रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस, तीसरा आरओसी ऑफिस, बस यही तीनों हैं। अच्छा लेकिन अभी एनसीएलटी भी तो है, अभी एनसीएलटी भी तो देखता है, पर एनसीएलटी आता है जुडिशियरी में, किस में आता है, जुडिशियरी में। तो एनसीएलटी हो गया, या गलती से कभी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लग गया, अब रिट पिटीशन तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगेगा ना, पढ़ा ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम लोग थोड़ा बहुत, रिट पिटीशन कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट हाँ आर्टिकल 226। अब मान लीजिए कंपनी लॉ से कुछ मामला कहाँ चला गया, हाई कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, एनसीएलटी चला गया, तो भाई वो अभी भी ऑफलाइन है, वो अभी भी क्या है, ऑफलाइन, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के ऑफिस तो है नहीं, अब हाई कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑफिस है, तो अदर ऑफिसेज जो हैं, अब वो अदर ऑफिस का जो मिनिस्ट्री होगा अगर वो ऑनलाइन करेगा तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन रहेगा, उसमें एमसीए क्या कह सकता है, एमसीए तो वहीं तक है जहां तक उनका ऑफिस है। तो एमसीए का खुद का ऑफिस, आरडी ऑफिस और आरओसी ऑफिस, ये तीन ऑफिस तो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो एमसीए 21 का बेनिफिट कहां तक मिलेगा तुम्हें, बस एमसीए के ऑफिसेज तीन, बोलो कौन कौन, हेडक्वार्टर जो एमसीए का खुद का ऑफिस है, दूसरा आरडी और आरओसी, बाकी जो ऑफिसेज हैं जैसे एनसीएलटी हो गया, कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी ऑनलाइन होना हुआ होगा तो होगा, नहीं हुआ होगा तो ऑफलाइन ही रहेगा। एमसीए 21 प्रोजेक्ट थोड़ी चलेगा वहाँ, एमसीए 21 प्रोजेक्ट तो कंपनी एक्ट तक ही चलेगा ना, बाहर का कोई एक्ट है या बाहर का कोई एजेंसी है तो वो भाई अपने लॉ से चलते हैं, वो हमारा उससे मतलब नहीं। तो क्या ये जो ऑफिसेस हैं जैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर का ऑफिस, एनसीएलटी का ऑफिस, कोर्ट का ऑफिस, अभी इसके ऊपर एमसीए 21 प्रोजेक्ट का फायदा आपको मिलेगा नहीं। कोशिश की जा रही है उसको भी ऑनलाइन करने की, अगर आपको मालूम चला हो भारत का जितना भी कोर्ट है उसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है पिछले 10 साल से, पिछले 10 साल से, पर अभी तक हुआ नहीं, कैसे होगा, भारत में करोड़ों केसेस लंबित हैं, कितने करोड़ों, और एक केस का इतना फाइल होता है, आप सोचिए इतना फाइल, इतना फाइल तो एक केस का होता है और करोड़ों केसेस, करोड़ों केसेस को ऑनलाइन करना आसान काम है क्या। तो इसलिए अभी क्या हुआ है, जो नए केसेस हो रहे हैं ना वो ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने केसेस हैं उसको अभी तक वो ऑनलाइन ठीक से कर पाए नहीं। अब कंपनीज एक्ट में 2006 से पहले का कोई मटेरियल चेक करोगे तो फिजिकली होगा ना, हाँ 2006 के बाद चीज़ें तुम्हें क्या मिल जाएंगी, एमसीए के वेबसाइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। चलो आगे बढ़ें, हेडिंग बोलो जोर से जोर से जोर से, इसी इसी को बेनिफिट्स बोल लीजिए, इसी को एडवांटेज बोल लीजिए, इसी को नेसेसिटी बोल दीजिए, इसी को बोल दीजिए आप बेनिफिट्स तो है ही, रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबका मतलब तो यही है ना। जैसे एग्जाम में पूछ ले, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे घुमा के, एमसी 21 आने के बाद दो फायदे, कितने फायदे यहाँ गिना रहा है, देखो तो गिनो तो, अगला पेज भी, अगला पेज भी देखो तो, ये इसी पेज पर है, 11 फायदे, 11 फायदे में से क्या करते हैं, सुन लो इधर देखो, आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, दो फायदा खुद लिख देगा। जैसे एमसी 21 आने के बाद अब ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, कमेंट, बच्चा कहा अच्छा एमसी 21 आने के बाद ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, लिखा हुआ तो है द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये लिख के आ गया, क्या लिख के आ गया, द स्टेटमेंट इज ट्रू, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उधर से रिजल्ट आया नेक्स्ट अटेम्प्ट। अरे भाई वो एक फायदा बताया, इसका मतलब तुम्हें और भी फायदे बताने थे, तो पहले एमसी 21 है क्या, तो सर ये प्रोजेक्ट है 21वीं सदी का प्रोजेक्ट है, वो 4 लाइन, अब फिर एमसी 21 के कितने बेनिफिट्स सब मिला के 11, ये लिखना था नहीं लिखना था, वो क्वेश्चन पूछेंगे 1 लाइन का, आपको आंसर देना है 1 पेज का, ये सीख लो अच्छे से, अगर आप ऐसा नहीं करोगे फेल कर जाओगे। सुना होगा सीएस में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव में, सर हमने पूरा लिखा फिर भी फेल कर गए, तो पूरा लिखा कहाँ, पूरा लिखने का मतलब 1 पेज लिखना था, है कि नहीं, कम से कम 1 पेज, कम से कम 1 पेज। चलो बेनिफिट तुम लोग बोलते जाओ, पहला बेनिफिट क्या हुआ बताओ,
बोलो बोलो जल्दी बोलो। ऐसा क्या? अच्छा, एक ऑनलाइन में बच्चा बोल रहा है कि सर आप अपना डिजिटल सिग्नेचर दिखा दीजिए एक बार, हम लोग डिजिटल सिग्नेचर देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं पीसीएस हूँ तो मेरा भी डिजिटल सिग्नेचर होगा ना। अभी मैं पूछता हूँ, डीएससी है मेरा? है, लो देखो। चलो पहले इधर पढ़ते जाते हैं, वो भी आ जाएगा। कहा सिर्फ देखेंगे नहीं, हम छू के देखेंगे और हम घर पे ले जाएंगे और पापा सबको भी दिखाएंगे, और अगर कोई बाहर मिल गया तो बेच भी सकते हैं हम। इतना प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया ना। चलो डीएससी देखोगे पहले? चलो दिखाता हूँ। कहा ये कौन सा सोन पापड़ी निकाल रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि गली में बर्फ बेचने वाला नहीं आता था पहले के जमाने में। ये अब देखो ये क्या है, डीएससी कैसा होता है सो देखो। ये देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे देखो, ये एक टोकन है। क्या है ये टोकन? टोकन मतलब पेन ड्राइव की तरह होता है। कैसा होता है ये? पेन ड्राइव की तरह होता है। ये देखो, ये दिखा, ये तो ऐसे देख रहा है कोई जादूगर आया लाल कपड़ा पहन के और जादू दिखा रहा है ना। जादूगर सब क्या बोलता है, क्या लाइन बोलता है, क्या दिखाएगा, ऐसे करके कुछ बोलता नहीं है वो लोग, है आबरा का डाबरा है, देख डिजिटल सिग्नेचर है ना। ये देखिए ये है। अब होता क्या है सुन सुनो, जैसे मैं कंप्यूटर में फॉर्म डाउनलोड करूंगा, फॉर्म फिल कर दिया, लास्ट में सिग्नेचर करना है, तो फिर मैं कंप्यूटर में लगाऊंगा इसको, यहां से कॉपी करके जहां पे जाना है वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पेस्ट। पेस्ट होते माना जाएगा डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको देखना चाहता है तो इसमें मेरा मेंबरशिप नंबर भी लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर ये किसका है, तो ये क्लाइंट्स होते हैं ना हमारे, जो क्लाइंट्स होते हैं, अब उनका डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर का विश्वास है मेरे ऊपर, कहा क्या मेरे से डिजिटल सिग्नेचर लगवाते रहो, तो आप ही लगा दें, तो उनका डिजिटल सिग्नेचर मैं ही लगा देता हूँ। उनसे पूछ के, ऐसा फ्रॉड नहीं, उनसे पूछ के, तो ये मेरे पास है। अब डायरेक्टर कहते हैं तो अब एक बात बताइए, फॉर्म मैं फाइल कर रहा हूँ उनके बिहाफ पे और डायरेक्टर का साइन का जरूरत है, तो फिर पहले फॉर्म भेजो डायरेक्टर के पास, तो डायरेक्टर से फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कहा ठीक है सिग्नेचर लगा दो, तो उसका सिग्नेचर भी मैं ही लगा देता हूँ और अपना तो सिग्नेचर लगा ही देता हूँ, उसके बाद फॉर्म फाइल कर देता हूँ। काम मुफ्त में करते हैं क्या ये सब काम, फीस लेते हैं, क्या लेते हैं, फीस। तो देखना तुम लोग डिजिटल सिग्नेचर, तो चलो मैं इनको दे रहा हूँ, तुम ही से वापस लूँगा, और ये ऐसे घूमते फिरते इनसे वापस लूँगा, तब देखते रहना कोई बीच में भागे नहीं। अभी जैसे एकाएक मैम आ रहा हूँ तुरंत, हम आऊँ से उधर जाके नीचे बेचारा डिजिटल सिग्नेचर 100 रुपये में, ऐसे भी लक्ष्मी नगर है यहाँ, कितने सारे CACS हैं, कोई भी मालूम चला लेने आ जाएगा, तो लेके लेके करेगा काम थोड़ी आएगा उसको, है ना। चलो देखो कैश तो कर ली, चलिए तब तक हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या उसको खोल के देखो, कर तोड़ के देखती हूँ अंदर है क्या। आइए चलो जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए, MC21 प्रोजेक्ट आने के बाद क्या कंपनी अब ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट हो सकती है? यस। अभी तुम्हें तुरंत कौन सा फॉर्म दिखाया था, स्पाइस? स्पाइस फॉर्म को डाउनलोड करूंगा, फिल करूंगा, सबमिट बटन क्लिक करूंगा, फॉर्म गया, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया। तो क्या घर बैठे बैठे इनकॉर्पोरेशन हो सकता है अब? सब नहीं बोल रहा है? अगला अच्छा, क्या ये बड़ा सिंप्लीफाइड और ईजी मोड है फाइलिंग का, मतलब घर वर से निकलना नहीं, ऑफिस से निकलना नहीं, जब चाहो आराम से है। अगला सबसे बड़ी बात, अब आपको ROC ऑफिस, जो कि एक सरकारी ऑफिस है, और सरकारी ऑफिस की हालत जानते हो, है ना, साहब राउंड पे गए हैं, है ना, खिड़की बंद होना चाहिए 5 बजे शाम में, तो 4 बजे ही बंद है। सुनो ऑफिस ऑफिस एक सीरियल आता था एक जमाने में, देखे हो, उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ। नहीं ऑफिस ऑफिस नहीं देखा कभी तुमने? यूट्यूब पे देखना फ्री में, मेरा नाम लेके यूट्यूब पे सर्च करना, आ जाएगा वो। ROC ऑफिस नहीं जाना अपने आप में एक वरदान है, सरकारी ऑफिसर कौन चक्कर काटना चाहता है, कोई नहीं है कि नहीं। अगला सबसे अजीब बात, सर आज 14 फरवरी है, आज दिन भर मैं बिजी हूं। 14 फरवरी को क्या होता है, बैगन टांग दे, वैलेंटाइन डे। मालूम चला कंपनी सेक्रेटरी क्या बोला कि आज दिन में तो मैं बहुत बिजी हूं, पार्क जाना है, कोना ढूंढना है, घास छिलना वहां बैठ के। सुनिए जो मैं बता रहा हूं, तो सर दिन में बहुत बिजी हूं, आज फाइल नहीं कर पाऊंगा।
अच्छा तो दिन में मान लो 14 फरवरी को बिजी है, पर रात में तो घर वापस आएगा ना। अच्छा, वो रात में भी फॉर्म फाइल कर सकता है रात में? क्योंकि एक बात बताइए, सरकारी ऑफिस शाम 5 बजे बंद हो जाता है, इंटरनेट तो चलता रहता है, वेबसाइट तो चलता रहता है ना, तो क्या 24x7 रात में 2 बजे फाइलिंग कर रहा हूँ? बोलो, कर सकता हूँ क्या? अच्छा, संडे को कर रहा हूँ, 15 अगस्त को कर रहा हूँ, 26 जनवरी को कर रहा हूँ, 14 फरवरी को कर रहा हूँ। आप कभी भी कर सकते हैं। 24x7 मतलब सर इसको इंटू करके देखेंगे क्या होता है 24x7? हर दिन सातों दिन, हर दिन सातों दिन देखेंगे तो पूरा ही हो गया, 365 डेज नहीं हो गया। आइए अगला। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखो, इधर देखो, एकदम शांत रहो बच्चे, इधर देखो, सबसे पीछे एक बच्ची बैठी हुई है वहां पे। हाँ जी, हाँ हाँ, वंशिका नाम है तुम्हारा? दिव्या। अच्छा, वंशिका तुम्हारी दोस्त है ना? ठीक, क्या ये टेक्निक पहले चलता था? ठीक है, नहीं नहीं उसके सच में दोस्त वंशिका, मैंने बोला नहीं था इन लोगों ने CHWT में मेरा इंटरव्यू लिया था, तो ये दो बच्ची आई थी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो इस दोनों का नाम तो मुझे हमेशा याद है, कहीं भी रोड पे भी मिल जाएगी तो मैं पूछूं इधर आओ, है कि नहीं? तो दिव्या, दिव्या मालूम चला, सुनो, 2006 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये MC21 प्रोजेक्ट नहीं था, 2006 से पहले दिव्या बहुत वेल्दी पर्सन है, बहुत पैसे वाली, बहुत पैसा है इसके पास, है ना, हाथ झाड़ती है तो 1 करोड़ गिर जाता है। तो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर है, क्या है? कॉरपोरेट इन्वेस्टर मतलब कंपनीज में पैसा लगाती है। इसको ना चेन्नई की एक कंपनी में पैसा लगाना है। किसमें लगाना है? चेन्नई, चेन्नई का नाम सुना ना, चेन्नई की एक कंपनी में पैसा लगाना है। अब चेन्नई का ROC ऑफिस होगा, चेन्नई कौन से उसमें आता है, मतलब स्टेट में? तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का एक ROC ऑफिस होगा। 2006 से पहले तो MC होता नहीं था, MC21 नहीं होता था ना। तो सुनो, अगर चेन्नई की एक कंपनी में इसको पैसा लगाना है तो चेन्नई की कंपनी के बारे में पहले जानना चाहेगी तब पैसा लगाएगी। अब चेन्नई की कंपनी से जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन फाइल होता होगा तमिलनाडु ROC को, तमिलनाडु ROC ऑफिस, तो इसको पहले दिल्ली से तमिलनाडु जाना पड़ेगा, वहाँ ROC ऑफिस में जाएगी, फिर उस कंपनी का सारा डिटेल निकलवाएगी और तब जाके ये पैसा लगाएगी। पहले ये होता था। अब मालूम चला ये दिव्या है, और वंशिका इसकी दोस्त कहाँ है? हाँ, ये तो यहाँ बैठी है ना। वंशिका नए जमाने की है, ये भी करोड़पति अरबपति है, हाथ झाड़ती है तो सोना ही गिरता है ना। ये भी चेन्नई के उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है जहां इसकी दोस्त 2006 से पहले की थी, लेकिन आज इसको चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज चेन्नई की वो कंपनी सारे के सारे फॉर्म फाइल कर रही होगी ऑनलाइन MCA के वेबसाइट पे, और MCA का वेबसाइट एक डिपोजिटरी है, रेपोजिटरी है, जहां सारे फॉर्म जमा हो रहे हैं, और MCA की वेबसाइट पर सारे फॉर्म जमा है, और MCA का वेबसाइट तो कहीं से भी तुम ओपन कर सकते हो। ये यहीं बैठी है लक्ष्मी नगर में, अपने घर में बैठी है, www.mca.gov.in क्लिक की, वहाँ पे एक डिटेल आता है पब्लिक इंस्पेक्शन, क्या आता है? पब्लिक इंस्पेक्शन, क्लिक की, क्लिक करते इससे पूछा किस कंपनी का देखना है, तो बोली अन्ना प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा प्राइवेट लिमिटेड? अन्ना प्राइवेट लिमिटेड, है ना, LA, अल्लाह, है ना, अन्ना प्राइवेट लिमिटेड LA, ठीक है, बात समझ में आ गया। उसका नाम डाली, क्लिक मारी, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट उसके सामने। तो क्या अब किसी भी कंपनी का इंस्पेक्शन करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत है, या MCA का वेबसाइट के थ्रू हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं? क्या इससे FDI भी आसानी से आ जाएगा? आज एक बात बताइए, मान लीजिए कंपनी, इधर देखो, CSNKJ CS Classes प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मी नगर में, मिस शकीरा इंडोनेशिया की है, कहाँ की है शकीरा, है कहाँ की है? ब्राज़ील की है। अच्छा, तुमको पता है ये बात? अच्छा, ये इसका जान पहचान है उससे, है ना। सुनिए, तो मान लीजिए ब्राज़ील, अब सुनिए, हाँ जी, ब्राज़ील की शकीरा को CS नितेश कुमार जायसवाल पसंद, मतलब सॉरी CSNK, ओहो, CSNKJ CS Classes प्राइवेट लिमिटेड पसंद आ गया, अब उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो देखो आज वो आराम से FDI दे देगी मुझे, कैसे? वहीं बैठे बैठे www.mca.gov.in पब्लिक इंस्पेक्शन पे जाएगी, है ना, CSNKJ CS Classes प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी, तुरंत डायरेक्टर का फोटो आ जाएगा, है ना, और उसके बाद कैपिटल के बारे में आ गया कि हाँ कैपिटल 25 करोड़ है, ठीक है, ये है वो है, अपना प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, ओनली फॉर CS कोचिंग है, है ना, और CA CW से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, और उसको भी CA और CW से फ्रस्ट्रेशन था, इसलिए वो ओनली फॉर CS वाला खोज रही थी, ठीक है। तुरंत मालूम चला 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दी मेरे में, कितना? 1 लाख करोड़,
1,00,000 करोड़ आते ही मैंने अपने सीएस के बच्चों के लिए ओनली फॉर सीएस कोचिंग पार्क पार्क बनवाए, वहां सिर्फ सीएस के बच्चे बैठे हुए हैं, इधर लेट रहे हैं उधर लौट रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक मैंने क्या बनवा दिया, लाइब्रेरी बनवा दिया, एक सिनेमा हॉल अलग से, एनके जे क्लासेस का ही फिल्म चल रहा है उधर, ओनली फॉर सीएस, ओनली फॉर सीएस, एक शहर भी बसा दिया ओनली फॉर सीएस, कैसा रहेगा बताओ, अच्छा रहेगा बोलो। तो इसके लिए शकीरा से बात करो, वो 1,00,000 करोड़ देगी तब ये सब काम होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या वो ब्राजील में बैठ के मेरे बारे में पता कर ली, तो देखिए क्या ये FDI आना आसान हो चुका है, इसलिए जब से ये सब ऑनलाइन हुआ है FDI भी भारत में खूब आ रहा है, क्योंकि शकीरा अगर पैसा भेजेगी तो फॉरेन करेंसी होगा, फॉरेन करेंसी बिकम्स व्हाट, FDI। तो भाई MC21 प्रोजेक्ट के काफी फायदे हैं, है ना। चलो इस फायदे का नाम बोलो जल्दी से, नंबर 5, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, इवन इंडिया के बाहर भी, आगे चले। चलो नंबर 6 बोलो भाई, जो नहीं बोला बेवकूफ है। याद है पहले ROC ऑफिस के जो स्टाफ थे बेचारे, वो सरकारी खिड़की से डॉक्यूमेंट लेते थे और रिकॉर्ड रूम में जमा करते थे, इसी में जिंदगी निकल जाती थी। क्या वो सरकारी ऑफिस बंद हो गया हुआ, मतलब सरकारी ऑफिस को सरकारी खिड़की बंद हो गया हुआ, जहाँ से फॉर्म बेचे जा रहे थे, फॉर्म लिए जा रहे थे। यस, खिड़की का नाम है MC.gov.in है, फॉर्म जाना और फॉर्म आना सब MC के वेबसाइट पर हो रहा है। तो इसका मतलब अब वहाँ का ROC जो है रजिस्ट्रार कंपनी बैठा होता है, दिन भर खाली बैठा हुआ ना वो, खाली बैठा है, एकाएक उठा एक कंपनी का नाम डाला, क्लिक किया, कंपनी का नाम है किंगफिशर, क्या नाम है किंगफिशर, एंटर मारा, देखा बैलेंस शीट खुल गया, जो फॉर्म फाइल हुआ वो खुल जाएगा, खुल गया, अरे इसके तो डेट बहुत ज़्यादा है, PNB से इतना लोन लिया, इससे इतना लोन लिया, इससे इतना लोन लिया, वापस किया ही नहीं। PNB को फ़ोन लगाया, क्या भाई ये लोन वापस हुआ, कहा नहीं सर एकदम वापस नहीं हुआ। तो तुरंत चेक करवाया गया कि भाई कौन है किंगफिशर का मालिक, विजय माल्या। तो विजय माल्या है कहाँ, तो कहा सर 10 गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए, विजय माल्या 10 गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए। विजय माल्या का अगर तुम पूरा कहानी देखोगे तो कहानी कुछ ऐसा ही है, काफ़ी रंगीन आदमी थे वो, और आज भी हैं, आज भी उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। तो क्या पकड़ में जल्दी आ जाएगा, क्यों पकड़ में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब ROC के ऑफिस वाले जो ऑफिसर्स हैं वो क्वालिटी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्वालिटी, क्वांटिटी वाला काम तो रहा ही नहीं। तो इसलिए सुना होगा आजकल शोकॉज नोटिस बहुत आता है, हर कंपनी पर नोटिस आ जाता है, क्यों नोटिस आ जाता है कि भाई उनके पास टाइम ही टाइम है, किसी भी कंपनी का नाम डाल के चेक कर लेते हैं, देखिए अरे बैलेंस शीट में गड़बड़ी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गड़बड़ी। तो क्वालिटी वर्क ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी वर्क कम हो रहा है। अच्छा ये हमारे लिए बुरा है या अच्छा है ये वाला बेनिफिट, अच्छा है, जितना ज़्यादा कंपनी पर नोटिस आएगा उतना ही वो कंपनी सेक्रेटरी को खोजेगी, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर बचाएंगे तो हम ही ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताइए आप। कोई भी आदमी हत्या करने के बाद, चोरी करने के बाद, डकैती करने के बाद क्या खोजता है, एक अच्छा वकील जो उसको बचा ले। तो कंपनी फ्रॉड करने के बाद किसको खोजती है, एक CS को जो उसको बचा ले। लेकिन हम ईमानदार हैं, हम फ्रॉड वाले को बचाएंगे नहीं, कहा सर गलत बोल रहे हैं, हम उससे पैसा लेंगे। ईमानदार CS बनना है, क्या बनना हमें, कितने लोग ईमानदार CS बनेंगे, कुछ लोग हाथ उठा के ऐसे, जरूरत के हिसाब से देखेंगे, ज़्यादा पैसा होगा बेईमान बन जाएंगे। अभी आपको एक कहानी बताता हूँ, ये बच्ची अब पढ़ भी रही है मेरे साथ क्लास में है, मतलब अभी ऑनलाइन पढ़ती है वो, स्टूडेंट एडमिशन कुछ दिन पहले हुआ, वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में पहले से काम कर रही है और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में प्रॉपर काम कर रही है, MD, CEO, CFO, CS के साथ रहती है, उन लोग का सारा काम देखती है वो, लाइजनिंग का सारा काम। तो वो मेरे पास आई कि सर मैं CS करना चाहती हूँ, और मैंने कहा तो आप आओ, फेस टू फेस आओ, फेस टू फेस जैसा तो दुनिया में कुछ नहीं। तो बोली कि सर फेस टू फेस तो मैं आना चाहती थी, लेकिन मैं वर्किंग हूँ, MNC में नौकरी कर रही हूँ और टॉप लेवल पर MD के साथ रहती हूँ, तो अब चूँकि मैं CS करना चाहती हूँ, मैं बोला CS क्यों करना चाहती हैं फिर। तो बोली कि सर एक्चुअली आजकल ना कुछ हवा है मार्केट में कि आने वाले समय में CS की वैल्यू और बढ़ेगी और सारा काम CS के हाथ में जाएगा, ऐसा हवा है मार्केट में अभी। आप सोचिए टॉप इंडस्ट्री के बच्चे, अपनी स्टूडेंट है, कभी आएगी, अब जो कभी ना कभार तो आएगी ना, इवेंट अपने यहाँ होगा तो मिलवाऊंगा तुम लोगों। फिर उस बच्ची ने, मतलब उस बच्ची तो क्या है, वो मेरी एज की है लगभग, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट तो मेरे लिए बच्ची ही हुई, ठीक है।
तो वो फिर मुझे बताई, तो मैंने बोला कि सीएस करने का कैसे आया, तो कहा सर जो हमारे एमडी है ना, इस कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी पहले थे, उन लोगों ने वही घोटाला उटाला कर लिया कंपनी में और काफ़ी फ्रॉड किया है, और कंपनी सेक्रेटरी ये पैसा लेके निकला है। मतलब ये पैसा कहने का मतलब आप मान लीजिए 200-300 करोड़, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है, मतलब ऐसा कुछ आरोप है कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। तो हमारे एमडी साहब का कहना है कि तुम ही सीएस बन जाओ और सीएस कोर्स करके, तो कम से कम ऐसे लोग सीएस नहीं बनेंगे हमारे यहाँ जो फ्रॉड वॉड करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा विश्वासी है। तो देखिए उस मतलब उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग एमडी जो लोग हैं वो चाह रहे कि ये सीएस बन जाए, ये तो चूंकि हमारी विश्वासी लड़की है तो ये सीएस बन जाएगी तो हमारी कंपनी को बचा लेगी। तो देखिए सीएस के बारे में नेगेटिव स्टोरीज भी हैं और पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं। अब देखिए इसमें नेगेटिव ये है कि उसने फ्रॉड किया 200-300 करोड़, लेकिन नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये कि 200-300 करोड़, पॉजिटिव ये है कि उस लेवल पे तभी ना किया, उस कंपनी का प्यून कर लेगा 200-300 करोड़ का। तो आप समझो आपका लेवल कहाँ है, आप थोड़ा इधर उधर हुए ना तो करोड़ों में पहुंच जाओगे। पर हमें का आप ये प्रमोट कर रहे हैं कि प्रिवेंट कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहा हूं कि हमें उस रास्ते पे जाना नहीं है। तो देखिए दोनों तरीके की बात है, तो अब देख लेना तुम लोग कैसे बनोगे। कहा सर 200-300 करोड़ का एग्जाम्पल है, तुम बेमान ही है सर, एक एक बार बेमानी करनी, बस एक बार। 300 करोड़ के बाद फिर जिंदगी में हम कभी कोई बेमानी, हर चोर यही सोचता है कि लास्ट चोरी है, लेकिन फर्स्ट चोरी को बचाने बचाने में वो सेकेंड और थर्ड चोरी करता रहता है। तो चोरी कोई नहीं करेगा ना, चाहे अमाउंट कितना भी हो, 500 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, कहा नहीं नहीं हो गया, अब ज़्यादा हो गया है, एक बार तो करूँगा। हम हमेशा ईमानदार कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, क्या बनेंगे? ईमानदार कंपनी सेक्रेटरी। आइए अगला, ये लो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, पढ़ो तो क्या ये। अच्छा भारत के अंदर जितने भी कॉर्पोरेट्स होंगे सबका डिटेल एक जगह मिल जाएगा MCA 21 की वेबसाइट पे। यस, क्योंकि सारे के सारे कॉर्पोरेट फाइलिंग कहाँ करेंगे? एमसीए की वेबसाइट पे, और एमसीए की वेबसाइट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भारत की सारी कंपनीज का। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से समझो, तो पढ़ो पढ़ो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। अब देखिए आप एक बार और बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चले। ये लाइन के लिए ना खून पसीना तक बह गया है, और उसमें कुछ पसीना मेरा भी था। क्या छी छी छी, क्या क्या बात कर, छी छी। अब सुनो जरा ध्यान से, हुआ क्या, पहले प्री सर्टिफिकेशन क्या होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ क्यों पढ़ाऊँ, प्री सर्टिफिकेशन अलग से मैंने दिया हुआ है एक जगह, वो कॉन्सेप्ट ही पढ़ा देता हूँ पूरा, मेरा एक काम भी खत्म हो जाएगा उधर से। ये लो पढ़ा दूँ, ये हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी जल्दी, और एक बार सारे बच्चे कंपटीशन करो और इसको सबसे पहले पढ़ के दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी। कुछ बच्चे को तो पेज ही नहीं मिला भाई, पेज नंबर बता दो। 61। जो नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ है। पढ़ लिया? चलो सुनो, अब थोड़ा प्री सर्टिफिकेशन की कहानी सुनाता हूँ। सुनिए इधर क्या है, पहले पढ़ समझो प्री सर्टिफिकेशन। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले। अब सुनिए इधर, देखिए ध्यान से सुनो, देखो हुआ। जब 2006 में, मैं शुरू से पूरी कहानी बताता हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। जब 2006 में MCA 21 प्रोजेक्ट आया,
तो पहली बार लाइफ में लोगों ने ई फाइलिंग देखा, पहली बार उन लोगों ने ई फॉर्म्स देखा, तो बहुत सारे सीएस को समझ में नहीं आया। तो क्या होता था, सो सुनो, यहाँ आरओसी है, यहाँ कंपनी है, कंपनी को ऑनलाइन फाइल करना है, तो कंपनी क्या करती थी, सुनो, एक्चुअली सीएस को नहीं, मतलब जो कंपनी के स्टाफ थे उनको समझ में, सीएस तो खैर एक्सपर्ट है, इधर देखिए इधर देखिए, तो मालूम चला कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। अरे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जहाँ सीएस नहीं होता, 10 करोड़ से कम पेड शेयर कैपिटल है, सीएस नहीं हो, हो सकता है ना। तो सुनिए, कंपनी मालूम चला, कंपनी का एक बीकॉम वाला स्टाफ, अब कौन काम कर रहा है, सीएस तो है नहीं, तो बीकॉम वाला, बीकॉम वाला फॉर्म उठाया, ठीक है, फॉर्म उठाया, फाइलिंग करते समय उसको समझ में नहीं आया, जहाँ लिखना था कंपनी का नाम वहाँ लिख दिया डायरेक्टर का नाम, और जहाँ लिखना था डायरेक्टर का नाम वहाँ पर लिख दिया शेयर कैपिटल, समझे, होना था डिजिटल सिग्नेचर, स्कैन करके घुसा दिया सिग्नेचर ज़बरदस्ती। अब ये फॉर्म गया किसके पास, आरओसी, आरओसी खोला वो फॉर्म को, कहा क्या है भाई ये क्या है। अच्छा, एक कंपनी ने ऐसा किया होगा या बहुतों कंपनी ने उस समय गलत फॉर्म फाइल किया होगा, मतलब जानबूझ के नहीं, उसको आता ही नहीं था, अब आता नहीं था तो कुछ भी करे वो। तब आरओसी को लगा भाई ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, अब जानते हैं जब नया सिस्टम आता है तो लोग गलतियां ज़्यादा करते हैं, मतलब आरओसी पागल हो गया उस समय, तो कुछ आरओसी, उस समय जो आरओसी सब था उस समय तो कुछ आदमी तो दिमागी रूप से हिल गया, सबको गलत बोला, तू भी गलत, तू भी गलत, क्योंकि इतना फॉर्म गलत आया। तब कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये ज़्यादा हो रहा है। तब इन लोगों ने क्या किया, प्री सर्टिफिकेशन मैंडेटरी किया, क्या मैंडेटरी किया, प्री सर्टिफिकेशन, प्री का मतलब सुनो, कंपनी को कहा गया आप फॉर्म बनाइए, क्या बनाइए, फॉर्म, फॉर्म पूरा भर दिए, सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर करने के बाद किसी प्रोफेशनल से, किसी प्रोफेशनल से जैसे सीएस है, सीए है, सीएमए है, इससे पहले साइन करवाइए, इससे पहले क्या कराइए, साइन, मतलब फाइलिंग, तब फाइलिंग कीजिए, मतलब फाइलिंग होगा बाद में, पहले सिग्नेचर होगा। अब देखिए प्री सर्टिफाई मतलब फाइलिंग से पहले सर्टिफाई, आप जब सीएस से सर्टिफाई कराएंगे तो सीएस तो एक्सपर्ट है, सीएस पहले फॉर्म चेक करेगा, फॉर्म चेक किया, कहा यार यहाँ तो डायरेक्टर का नाम आना चाहिए, कौन गधा का नाम लिख दिया तूने, उसको ठीक करेगा, कहा यार यहाँ डीएससी लगना था क्या लगा दिया पीएससी, इसको ठीक किया, जहाँ कंपनी का कैपिटल आना चाहिए था कैपिटल किस तरीके से लिखना है वो लिखना नहीं आ रहा था उनको, अटैचमेंट करना नहीं आ रहा था, तो ये सब पहले वो चेक किया, तभी तो साइन मारेगा, क्योंकि सिग्नेचर जिसका वही लाइबल होगा बाद में। तो सीएस अगर साइन कर रहा है तो सीएस पहले चेक करेगा पूरा फॉर्म, तो पूरा चेक करने के बाद जब फाइलिंग होगा तो सही फाइलिंग होगा। तब आरओसी शांत हुआ कि आजकल जो फॉर्म आ रहे हैं पहले उस पर प्रोफेशनल का साइन हमने मैंडेटरी कर दिया, अब मैंडेटरी से क्या हुआ, प्रोफेशनल तभी साइन मारता है जब वो पहले चेक कर लेता है। अब जो फॉर्म जा रहे हैं आरओसी को वो बड़े शांति से जा रहे हैं और सही फॉर्म जा रहे हैं, बात समझ में आया। अब सुनो इसके पीछे खून पसीने वाली कहानी क्या हुई, सो सुनो, 2006 में, सुन लो तुमको भी मालूम होना चाहिए, 2006 में कौन सा एक्ट चल रहा था भारत में, तो उसमें प्री सर्टिफिकेशन था। अरे 2006 में जब MCA 21 प्रोजेक्ट आया तो शुरू में फॉर्म लाया, लेकिन शुरू के कुछ ही दिनों में ये क्या ला दिए, प्री सर्टिफिकेशन, क्योंकि देखा हालत बहुत ख़राब हो रहा है। पर जब 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013, तो इन लोगों ने क्या समझा, सो सुनो, इधर देखो इधर देखो, मंत्रालय का ये कहना था कि अब तो सारे लोग को ट्रेनिंग मिल चुकी है ई फाइलिंग की, क्योंकि अब तो 6 से 13 भी कितना साल हो गया था, 7 साल हो गया था, तो उनके दिमाग में क्या आया कि अब हमें पीसी की ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है, पीसी की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं पीसी जाने से कितना लॉस हो रहा था सीएस को, अब मैं बता रहा हूँ सुनो, प्री सर्टिफिकेशन से कितना फ़ायदा है सीएस को, इधर देखिए भारत में कितनी कंपनीज हैं, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, 10 लाख कंपनीज हैं, आलू भालू कंपनी भी, मतलब एकदम छोटी कंपनी, एकदम छोटी कंपनी, मतलब दो ही शेयर होल्डर, दो ही डायरेक्टर्स, पूरी दुनिया उधर ही, एकदम छोटी कंपनी भी साल में एवरेज 4 फॉर्म भी फाइल कर रही है तो 40 लाख फॉर्म हो गया, नहीं हो गया, अब ध्यान से सुनिए आप जो मैं बोल रहा हूं, ये 40 लाख फॉर्म अगर प्री सर्टिफाई होके जाने हैं तो लिखा हुआ है सीएस, सीए, सीएमए तीनों, पर तुम्हें क्या लगता है तीनों में से एक्सपर्ट कौन है इस मामले में, तो 40 लाख में से चलो मान लो कि सीए भी साइन कर देता होगा, सीएमए भी साइन कर देता होगा, अगर 30 लाख भी फॉर्म हमारे हाथ में आए, कितने फॉर्म, और ये साइन करेगा पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, 12619 तो मेरा सीओपी नंबर है,
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर है ना, मैं भारत का 12619वां प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। इसका मतलब ये होता है 12619 मेरा COP नंबर, वहाँ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आप लोग पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे COP भी है। थोड़ा गर्दन घुमा लो भाई पीछे, देखा ये सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं ना। अभी जब ब्रेक होगा सर हम उसको खींच के ले जाएंगे, उसको देखना। एक मेरा मेंबरशिप सर्टिफिकेट है जिसमें मेंबरशिप नंबर मेरा क्या है 33,265, मैं भारत का 33,265वां CS हूँ। और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कितने नंबर का हूँ 12,619। तो मान लो अभी 15,000 हो गया हो, अभी कितना हो गया होगा 15,000, 15,000 में से बहुत लोग पुराने CS अब डिजॉल्व हो गए होंगे, वाइंडिंग अप हो गया हो, तो मान लो इफेक्टिवली 10,000, इफेक्टिवली कितना 10,000, 10,000 PCS, तो 30,00,000 फॉर्म को 10,000 PCS से डिवाइड करो, एक PCS के हाथ में कितने फॉर्म है। कहा सर ये तो सदी का सबसे टफ क्वेश्चन है, 30,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000, जल्दी बताओ जल्दी, मतलब तुम लोग ये भी नहीं निकाल पा रहे हो। तो कहा आप कौन सा निकाल ले रहे हैं, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, निकालो जल्दी से 300 पक्का। तो एक PCS के हाथ में कितना आया एवरेज बेसिस पे 300 फॉर्म, और अगर हम 1,000 रुपया भी साइन करने का लिए एक फॉर्म पे, तो एक PCS की सालाना कमाई सिर्फ साइन करने से कितना हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे इतना तो मैं भी कर दूंगा, 1, 2, 3, 4, नहीं नहीं 4 नहीं 3 होगा ना, सॉरी ये ज़्यादा 10,000 ज़्यादा ले लिया, लालच ज़्यादा हो गया, 1, 2, 3, 3,00,000, 3,00,000 रुपया मैंने जिसमें मिनिमम मिनिमम लिया है, इनकम को हमेशा कम आंकना चाहिए। अब बताइए रिलायंस में 4 ही फॉर्म फाइल होते होंगे साल भर में, क्या बात करते हो यार, मैंने एकदम एवरेज लिया सरा से गला तक एकदम नीचे गिरा दिया मैंने, तो सोचिए 3,00,000 रुपया, 3,00,000 रुपये का मतलब एक महीने में कितना का, ये तो और टफ हो गया, ये तो और टफ हो गया, 3,00,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना 25,000 अराउंड, 25,000 यस। सुनिए 25,000 रुपया 4 फॉर्म को साइन करके हो गया तुम्हारा, एक तरीके से देखो भाई बताइए, और भी तो है, इनकॉर्पोरेशन करोगे, ऑडिट करोगे, इंसॉल्वेंसी का काम करोगे, कितनी चीजें हैं कमाने के लिए, ये तो सिर्फ साइन किया बस हो गया, साइन किया बस हो गया, ये MC21 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ये काम कर लो। तो सुनो ये अब इन लोगों ने क्या किया जल्दी बताओ, 2013 के वाले कंपनी सेट में प्री सर्टिफिकेशन हटा दिया, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का तो एक बड़ा इनकम गया। तो हम लोगों ने 2014 में रूल आया था, कब रूल आया था, तो मैं हमने प्रोटेस्ट किया था, मुझे आज तक याद है। सो सुनो जब वो रूल आया था तो मैं क्लास ले रहा था, उस समय में मेरे क्लास उस साइड होती थी रोड के उस साइड 2014 में, तो उस समय क्लास में उतनी बड़ी क्लास नहीं थी, 2014 में तो मैं बढ़ ही रहा था, तो 250 बच्चे करीब थे, तो हंसने वाला क्या बात, अरे मालूम ना प्री कोरोना पीरियड में हम 600 बच्चे तक पहुँचे हुए थे, 2019 में मेरे यहाँ 600 बच्चे का बैच था, अब फिर से हो जाएगा, तो उस समय 250 बच्चे का बैच था। जहाँ रूल आया मैंने तुरंत एक पैम्पलेट बनवाया, कंपनीज रूल नॉट एक्सेप्टेड है ना, उसके बाद MCA के खिलाफ कुछ कुछ लिख के, उसके बाद हाथ में बच्चों को लिया, और सारे बच्चे मेरे इतने खुश, आज क्लास नहीं होगी बस है ना, सारे बच्चे को 250 बच्चे को लेके मैं मेट्रो से गया कहाँ ICSI, जो ICSI में सारे CS जुटे भारत के, उस समय बहुत मतलब हल्ला हुआ था, हम सारे के सारे CS रोड पे थे, सारे स्टूडेंट सब है ना, हम लोग पहुंचे, अब मुझे आज तक याद है, मैं आगे आगे लेके है ना, कंपनीज रूल नॉट एक्सेप्टेड, मेरा बच्चा तो कोई नॉट एक्सेप्टेड मैंने बोला अरे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट है, इतना दुख मतलब खुशी हो के प्रोटेस्ट करोगे, कौन सा मंत्रालय बात मानेगा भाई, समझे। तो सुनिए खूब अल्लाह, मुझे आज तक याद है, आज तक चैनल पे हम लोग आ गए थे, 250 की भीड़ जब एकाएक ICSI में घुसी, तो उसी समय आज तक अभी 250 की भीड़ यहां पर आई है, हम मेरा बताइए है ना, सारा का सारा हम लोग मेट्रो से पहुंचे, ICSI गए, ICSI के प्रेसिडेंट विश्वास नहीं होगा, उस दिन लगभग उनको कॉलर पकड़ के घसीट लिया था लगभग, मेरा एक स्टूडेंट था उसने बचाया ICSI के प्रेसिडेंट, हाँ मेरा ही स्टूडेंट बीच में खड़ा हो गया, कोई छू के दिखाए, मेरा स्टूडेंट सब तो आगे रहता ओनली फॉर CS,
पूरा खून गर्म उस, मतलब बहुत हल्ला हुआ। उसके बाद हम लोग को वहाँ से हम लोग को ले गए शास्त्री भवन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो तो सेंसिटिव इलाका है। उन लोगों ने मेरे ऊपर वाटर कैनन नहीं होता वो चला दिया पुलिस ने। मेरा स्टूडेंट नहाऊंगा आज, आजा। मैंने कहा वह मेरा स्टूडेंट सब, आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पे भी मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा। मैंने कहा प्लीज़ यार क्या कर रहे हो यार, मैं तुम प्रोटेस्ट करने आए हो कि तुम्हारे लिए पिकनिक है। तो यह सब हुआ और फाइनली उस समय अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली का नाम सुना है, जब वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, रातों रात हमारी बात मानी गई और फिर से प्री सर्टिफिकेशन वापस आया। लेकिन इस बार जो प्री सर्टिफिकेशन वापस आया, ये तो मंत्रालय गुस्से में वापस किया, तो इन्होंने एक राइडर जोड़ दिया। ये कहा अच्छा अब दिखाता हूँ तुझे क्या जोड़ा है। देखो अगर तूने फॉल्स सर्टिफिकेट दिया, फॉल्स मतलब बिना देखे साइन मार दिया, तो तुमको 447 448 में बुक करेंगे। और 447 जो है वो फ्रॉड का सेक्शन है और इसमें 10 साल तक की जेल होती है। और आपको विश्वास नहीं होगा, इन्होंने प्री सर्टिफिकेशन तो लाया पर फ्रस्ट्रेशन में लाया, तो इन्होंने लास्ट में ये लाइन जोड़ दिया कि अगर अब गलती किया, चिल्ला चिल्ला के वापस तो ले लिया मेरे से प्री सर्टिफिकेशन, पर अब अगर गलत फॉर्म पे साइन किया, क्योंकि CA CA पे आरोप रहता है कि घुस खा के साइन करते हैं, कुछ आरोप तो लोग लगाते ही हैं, तो छोड़ूंगा नहीं, सीधा 10 साल का जेल। कहा CS कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस दो। प्री सर्टिफिकेशन आ गया वापस, लेकिन सुनिए जब वापस आया सारे फॉर्म पे नहीं आया, कुछ ही फॉर्म पे आया, और उन फॉर्म्स पे आया जिसमें गलतियां ज़्यादा होती थी। जैसे कुछ फॉर्म का नाम बताओ, बोलते चलो, बोल दो, बोलो 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 बोलो। का इससे अच्छा फॉर्म ही बोल देते आप, अरे सारा फॉर्म बोलो। तो ये सारे के सारे फॉर्म प्री सर्टिफिकेशन वाले हैं, मतलब ये फॉर्म तभी फाइल होंगे जब उस पर किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का क्या होगा, साइन, अदरवाइज ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब अगर तो ये जो प्री सर्टिफिकेशन वापस आया, इसमें अपने इंस्टीट्यूट का भी रोल है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस के 4 से 5 फेसबुक आईडी हैं, उसमें से जो सबसे पहला फेसबुक आईडी है जिसमें सिर्फ नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस लिखा हुआ है, उसके फोटोज़ में जाइएगा और देखिएगा मैं आगे आगे झंडा लेके चल रहा हूँ, अब मेरा सारा बच्चा पीछे खुशी दिखाई दे रहा है एकदम, है ना, वो सारा का सारा फोटो मैंने फेसबुक पर डाला है। तो ये जो अभी आजकल के ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये सब तो कोरोना की उपज है, ये जो कोरोना आया तो ये लोग आए, मैं तो उस समय से हूँ 2010 से जब ये लोग पढ़ भी रहे होंगे, है कि नहीं। आज ना ये लोग सब्सक्राइबर खेल रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर 1.5 लाख, मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख, ये सब कोरोना की उपज है, और मैं तो उस समय से हूँ, और कंपनीज रूल में और प्री सर्टिफिकेशन वापस आने में हमारा रोल है। तो आप जरा सोचिए कि CS प्रोफेशनल के लिए कौन आगे है। आज CS प्रोफेशन में कुछ भी होगा तो मैं ICSI में एंटर कर सकता हूँ तुम लोगों के साथ, वो तो एंटर नहीं कर सकते, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको तो CS इंस्टीट्यूट एंट्री तक नहीं देगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताइए। वो कौन से प्रोटेस्ट में जाएंगे मालूम, वो CA वाले प्रोटेस्ट में जाएंगे, और CA वाले प्रोटेस्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, तो मेल नहीं खाता है ना। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, हमेशा किसको प्रेफर कीजिए, CS को, ये नहीं किसी मुझे प्रेफर कीजिए, आप किसी भी CS को प्रेफर कीजिए, पर CS के साथ रहिए, जिंदगी भर काम आएगा। CA तो बस आपसे फीस लेगा बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके, और उसके बाद आपको छोड़ देगा, और साथ में वो CA भी पढ़ा रहा होगा क्योंकि उसका दिल तो कहीं ना कहीं CA से ही लगा हुआ। पर मेरे कोचिंग में कहीं भी आपको दिखाई दे दे CA, गलती से भी CA नाम का प्रोडक्ट भी आता तो मैं प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और आपको मैं फोटो, अभी मैं यहाँ क्या फेसबुक खोलूँ, फेसबुक खोलने में और भी फोटोज आ जाते हैं, तुम लोग देखो हंसोगे, उस समय मेरा फोटो तो देखोगे, मैं उस समय काफ़ी मोटा था, अभी भी हूँ, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा था, पहले मेरा पेट क्लास में आता था, बाद में मैं पीछे से आता था, तो तुम लोग देख देख के हंसोगे। तो आज नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस फर्स्ट आईडी, एक्चुअली क्या था, 5000 फ्रेंड जुड़ने के बाद दूसरा आईडी बनाना पड़ता है ना, तो ऐसे आईडी बनते बनते हम 4th 5th आईडी पे हैं। तो आप देखिएगा, कुछ बच्चे तो उसमें देख भी लिया होगा, कुछ बच्चा तो खोज रहा है जल्दी, नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस प्रोटेस्ट फोटो, कौन सा फोटो, प्रोटेस्ट फोटो। तो ये कहानी है। अच्छा एक प्री सर्टिफिकेशन का फॉर्म दिखाऊं, ये लो, यही यही है, ये लो, कौन सा फॉर्म, ये स्पाइस, आ जाओ भाई, पहले स्पाइस फॉर्म को भरोगे, अरे भरोगे ना,
चलो पहले भर दिए, मान लो ऐसे ऐसे हम भरते जा रहे हैं, ठीक है, भरे 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 भरे, फिल किया फिल किया फिल किया फिल किया फिल किया फिल, अटैचमेंट आ गया बीच में, अटैच किया, जैसे एफिडेविट है, एमओए है, एओए है, ये सबको क्या किया, अटैच किया, अटैच अटैच करने के बाद एक डिक्लेरेशन आया किसका, डायरेक्टर का, ये डायरेक्टर का डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन आया, आया जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऐसे आई, तो आई में कौन है भाई आप, तो हम हैं कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी होते ही तुरंत मेंबरशिप नंबर मांगेगा, क्या मांगेगा, मेंबरशिप नंबर और सीओपी नंबर, क्या मांगेगा, मेंबरशिप नंबर और सीओपी नंबर, देखो आ गया मेंबरशिप नंबर, मैं यहाँ भर दूंगा अपना 33,265, अभी इसमें भरा नहीं जा रहा है क्योंकि अभी ऑनलाइन नहीं है ना ये, और यहाँ क्या भर दूंगा, सीओपी नंबर, जहाँ ये भरूंगा अपने आप मेरा नाम आ जाएगा नितेश कुमार, क्योंकि एमसीए का वेबसाइट अंदर अंदर किससे जुड़ा है, आईसीएसआई के वेबसाइट से, जहाँ मैं डालूंगा मेंबरशिप नंबर वो आईसीएसआई के रिकॉर्ड से उठा लेगा, अच्छा ये कौन है, नितेश कुमार, कौन है, नितेश कुमार, यह सवाल नहीं, मतलब नितेश कुमार सर्टिफिकेट नाम मेरा नितेश कुमार ही है, सारा सर्टिफिकेट देखना नितेश कुमार ही है ना, इसमें हंसी वाला क्या बात था भाई, वो तो मैं बाई कास्ट बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए जैसा, बाकी मेरा नाम नितेश कुमारी है। क्या फोटो देख के, अच्छा मेरा मेंबरशिप वाला, अच्छा वो फोटो मिल गया क्या तुम लोगों को, सच में मिल गया, जरा दिखाओ जरा, मैं भी देखना चाहूँगा, प्लीज कोई हंसेगा नहीं, प्लीज, ये कैसे खोजा तुम लोगों ने, गूगल पे खोजा है या फेसबुक के अंदर जाके खोजा है, फेसबुक के अंदर है, जरा दिखाना, मैं एक बार देखता हूँ, मैं उस समय कैसा था, हैं क्या, अब तो हम वायरल करेंगे इसको, कुछ बच्चा तो फ़ोन नहीं देना चाह रहा है, गलती से उसमें आले बाबू दिखाई दे दिया तो मामला ही बिगड़ जाएगा, अरे दिखाओ, देखा भी कि क्या, अब हंसा है तो पक्का देखा होगा, लाओ दिखाओ दिखाओ एक बार दिखाओ, आपको मालूम है हमारा पहले यूट्यूब चैनल था, एक यूट्यूब चैनल को डिलीट मार दिया, मालूम है ना यूट्यूब ने, 50,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, एक डांस वीडियो पे 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज था, नहीं मालूम है आपको, अब यूट्यूब चैनल हमने फिर नया बनाया ना ये 2 साल पहले, है ना, वो वीडियो है यूट्यूब पे है वो, हाँ किसी ने, अरे ये नहीं यार तुम लोग ये भी उसी समय का, ये उसी डांस के समय का ये फोटो है, और उस पर 10 मिलियन व्यूज था, है ना, ये तो क्या हुआ, कोरोना में मुझे खुद कोरोना हो गया तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहा नहीं, और मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट मार दिया यूट्यूब ने, तब जाके नया यूट्यूब चैनल बनाया अब हमने, उसमें भी भगवान की दया से 5,000 सब्सक्राइबर हो गए। चलिए तो ये देख लिया, अब देखो यहाँ क्या आया लिखा हुआ, जल्दी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर क्या लिखा हुआ है, हाँ आ गया सर्टिफिकेट बाय प्रोफेशनल, फिर वही आई, तो यहाँ क्या लिखूंगा, नितेश कुमार मेंबर ऑफ ICSI हैविंग ऑफिस एट, है ना, चोर वाली गली, है ना भूतों वाला मकान, चुराल एंट्री, ठीक है, लक्ष्मी नगर, ये लिख दिया एड्रेस, एड्रेस के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है, उसके बाद मैं लास्ट में क्या करूँगा, साइन, आप क्या हैं भाई, CS है तो मैं CS पे क्लिक करूँगा, इसे बोलते हैं रेडियो बटन, क्या बोलते हैं, रेडियो बटन, फिर यहाँ पे मैं अपना मेंबरशिप नंबर और COP नंबर, देख रहे हो, क्योंकि मैं CS पहले सेलेक्ट कर चुका था तो यहाँ पर दोनों मांग रहा है, क्या मांग रहा है, दोनों, क्योंकि CA का ना सिर्फ मेंबरशिप नंबर होता है, CWA का भी सिर्फ मेंबरशिप नंबर होता है, पर CS का 2 नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर भी और प्रैक्टिस नंबर भी, ये बात याद रखना, उसके बाद मैं साइन कर दूंगा, और तुम देखो प्री सर्टिफिकेशन देख लिया, इसी तरीके से क्या होता है, प्री सर्टिफिकेशन, क्लियर है, और तुम देखो इन्होंने तुरंत धमकी दिया है, कहा बेटा प्री सर्टिफिकेशन कर रहा है ना तो पढ़ ले इसको, क्या लिखा हुआ है, वही कहाँ बुक करूँगा और कहाँ, तो मैंने बोला था ना कि ये लोग प्री सर्टिफिकेशन वापस लाया, लेकिन एक राइडर के साथ, किसके साथ, राइडर, कि साइन करने से पहले सोच समझ कर, गलत साइन किया तो जाएगा जेल, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने किया था, पर आज तक कोई जेल गया नहीं, ठीक है, तो प्री सर्टिफिकेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, कोई दिक्कत, चलिए भाई, तो प्री सर्टिफिकेशन इतना आसान नहीं था, अब मुझे आज तक याद है प्री सर्टिफिकेशन जब आ रहा था तो उस समय ICSI की प्रेसिडेंट थी प्रीति मल्होत्रा, कौन थी, प्रीति मल्होत्रा, मुझे याद है वो उस कमेटी की मेंबर थी जिसमें ये MCA 21 प्रोजेक्ट आ रहा था, तो कुछ बात आई कि CS को साइनिंग दिया जाएगा,
तो वहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने मजाक उड़ा दिया कि सीएस तो है ही नहीं भारत में, कितने सीएस हैं, क्योंकि सबसे कम तो सीएस ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो लगभग 4 लाख के आसपास हैं, सीडब्ल्यूए भी ठीक ठाक होगा, लाखों में तो है ही कम से कम, सीएस 1000 में है। तो उन लोगों ने मजाक उड़ा दिया मिनिस्ट्री की मीटिंग में, मंत्रालय की मीटिंग चल रही थी, मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे और उस समय मजाक उड़ा दिया दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने हम लोग का। कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं दूसरे के खिलाफ बोलता हूँ, खिलाफ इसलिए बोलता हूँ कि बहुत दर्द दिए गए हैं मुझे, है कि नहीं, और आप लोग को भी दिए जाते होंगे सीएस करने के वजह से, ठीक है। तो जवाब देने वाला कोई तो होना चाहिए, और जब मैं जवाब देता हूँ तो वही लोग यूट्यूबर्स मुझे ही गाली सुनाते हैं, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी नहीं है ना, मेरे पास यूट्यूब का 1.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, उनके पास है तो वो भड़का देते हैं सारे बच्चे को मेरे खिलाफ, और सारा बच्चा उसका टाइप करने लगता है मेरे खिलाफ। मेरे पास इतना है बस, ये छोटा सा अपना, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत है फेस टू फेस, है कि नहीं। लेकिन चलो एक समय ऐसा आएगा हम लोग भी 1.5 लाख 2 लाख तक जाएंगे, और उस दिन देखना फिर मैं क्या क्या करता हूँ, है कि नहीं। उस दिन भी मैं दिखाऊंगा, उस दिन मैं जवाब दूंगा। लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं यूट्यूब पे कि इनके पास सब्सक्राइबर ही कितने, मेरा मजाक खूब उड़ाया जाता है, खैर जाने दो। सुनिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय जब मजाक उड़ाया गया प्रीति मल्होत्रा का, तो प्रीति मल्होत्रा उसी समय खड़ी हुई इस मीटिंग में, बोली आई एम गोइंग टू डबल द नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन कमिंग 5 ईयर्स, 5 साल में सीएस दुगुना कर दूंगी मैं। उसी समय सीएस का नया सिलेबस आया, 8 सब्जेक्ट के सिलेबस को कम करके 6 कर दिया गया, मैं उसी में पास हो गया। उसके बाद जो रिजल्ट हुआ उस समय मुझे आज तक याद है, 40% रिजल्ट, 50% रिजल्ट, और सीएस हो गया 60-70 हजार। अब जाके इन्होंने रिजल्ट रोकना स्टार्ट किया, अब जाके 8% रिजल्ट हो रहा है, लेकिन मेरे समय में जो रिजल्ट हुआ आप बताइए, मुझे अकाउंट्स में 70 मार्क्स आए, बताइए टैक्स में 75, मतलब मैं क्या बताऊं। जब भी सिलेबस चेंज होता है ना, तो पहला अटेम्प्ट बहुत इजी जाता है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में ICSI को ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या जाता है, ईजी जाता है, दूसरे अटैम्प्ट तक वो थोड़ा सा समझने लगता है, तो ये होता है। अब मैं उसमें पास हो गया और आज सीएस हूँ आपके सामने, तो प्रीति मल्होत्रा को मैं कभी नहीं बोलूँगा, ये बात आप समझिए। मैं आपको दिखाऊँ प्रीति मल्होत्रा, देखना चाहेंगे आप प्रीति मल्होत्रा? कुछ लोग तो इतने खुश हैं, बहुत अच्छी कंपनी सेक्रेटरी, बहुत अच्छी, आपको दिखाता हूँ प्रीति मल्होत्रा ICSI, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर सब का फोटो आ जाता है। ये देखो इनका विकिपीडिया भी है, देखो है ना, यही है प्रीति मल्होत्रा, क्या लिखा हुआ पढ़ो इनके बारे में, चेयरमैन कौन सी ग्रुप, स्मार्ट भारत ग्रुप की, देखो चेयरमैन बन गई सीएस के बाद। स्पाइस फोन आता था बीच में, सुना तुमने स्पाइस, अभी भी स्पाइस के शोरूम्स होते हैं, वो फोन वाले जो बेचते नहीं स्पाइस, मोदी ग्रुप था टेलीकॉम ग्रुप स्पाइस, उसकी कंपनी सेक्रेटरी थी, और कहा जाता था स्पाइस ग्रुप में सिर्फ सीएस ही मिलता है, ये जहां जाती है इतने सीएस को नौकरी दिलवाती है, क्या बताऊं मैं। अब चेयरमैन बन चुकी है, सोचो तुम, सबसे बड़े पोजीशन पे बैठी हुई है, और ये क्या है, नोन फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 2007, और 2007 में ही मैं सीएस इंटर में आया था, है ना। तो ये कहानी है, देखिए सब कुछ है इसके बारे में लिखा हुआ है, ये क्या क्या, देखो CSR में बहुत काम की है, ये देखो अवार्ड कितना मिला हुआ है, ऑनरी पोजीशन देख रहे हो, ये सब जे ईरानी कमेटी देखो, जो नया कंपनी सेट बना उस कमेटी में भी ये थी, तो सोचिए। ये देखो कौन से कमेटी में थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बोला था ना मैंने उस कमेटी में थी जहाँ पर ये बात हो रहा था, अब देखो उस कमेटी का नाम आ गया ना। तो ऐसे ऐसे भी सीएस हुए हैं, क्लास में जितनी लड़कियां बैठी हुई है मोटिवेट हो सकती हैं कि देखिए गर्ल्स कहाँ से कहाँ जा सकती हैं। ICSI की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी जो ये लेडी थी, सोचिए आप लोग भी बन सकते हैं, पर अपने अंदर थोड़ा सा खून गर्म रखो सीएस प्रोफेशन को लेके, हल्के में रहोगे तो कुछ नहीं, पहले तो सीएस ही नहीं बन पाओगे, प्रेसिडेंट तो बाद में बनोगे, है कि नहीं। अगला तो प्री सर्टिफिकेशन, मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, और जब भी तुम साइन करके फीस लोगे तो मेरी ये बात याद आएगी कि काफ़ी खून पसीने के बाद ये प्री सर्टिफिकेशन आया है। आइए अच्छा एक बात बताइए, जरा पढ़िए तो, इसको पढ़िए तो, जल्दी 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 जल्दी, आइए सुनिए। ये MCA 21 प्रोजेक्ट से क्या हो गया, अब फाइलिंग में स्पीड आ गया। अच्छा ट्रांसपेरेंट कैसे, सारी की सारी चीजें MCA के वेबसाइट पर पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई छिपा हुआ नहीं है, और ये सारी चीजें होने से क्या है,
एफिशिएंसी आ गई, चीज अच्छी हो गई। चलो नंबर 10, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सुनिएगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब किसी को लोन देंगे, क्या देंगे? लोन, तो उस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे। आज उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, आज उस कंपनी के बारे में जानने के लिए बस किसका वेबसाइट खोलना है? एमसीए का। तो क्या आज उन वो बहुत सोच समझ के आराम से लोगों के बारे में पता करके लोन देंगे? यस। तो किनको फायदा हुआ है? वो आराम से क्या कर सकते हैं? स्क्रूटनी। जैसे कंपनीज क्या करती हैं? फ्रॉड करती हैं, झूठा डॉक्यूमेंट दे देती है कि इसको बैंक को, ये देखिए हमारे इतने प्रॉफिट्स, ये देखिए इतना डिविडेंड। और जब एमसीए का वेबसाइट चेक किया तो कहा ये तो लॉस में चल रही है कंपनी, इसमें चल रही है लॉस में। तो क्या वो स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब चेकिंग फॉर एरर्स, क्या वो गलतियों को ढूंढ सकते हैं? यस, है ना। हाई अगला, और सबसे अच्छी बात ये, बोलो क्या, क्या फिजिकल मिलेगा क्या? वो पेपर ऊपर, फॉर्म वॉर्म पेपर ऊपर कुछ दिखेगा क्या? डॉक्यूमेंट सब, या सब कुछ ऑनलाइन? ऑनलाइन होने से पेपर वर्क क्या हो गया? कम। और आपको याद होगा जितना कम पेपर यूज करेंगे उतने ट्रीज बचेंगे। बहुत लोगों को तो ये नहीं मालूम है कि पेपर किससे बनता है? ट्री से। कोई बच्चा पूछा पत्ता से बनता है क्या? कैसे बनता है बताओ? नहीं, ट्री से तो बनता है, पर ट्री से कैसे बनता है? एक्चुअली लकड़ी है ना, लकड़ी का इतना पतला उसको छिला जाता है कि वो क्या बन जाता है? पेज। वो पेज, पेज कुछ नहीं है, वो लकड़ी का एक लेयर है। लकड़ी का क्या है? लेयर। तो हम पेज जितना कम यूज करेंगे उतना उतना ट्रीज बचेंगे, जितना ट्रीज बचेंगे उतना एनवायरमेंट अच्छा होगा। तो एमसीए के कितने फायदे बताए मैंने, जल्दी बताओ? 11। 11 बहुत शुभ होता है। इस 11 में से कोई 5 सारे बच्चे आंख मूंद के बताते चलिए, आंख मूंद के। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब जरा ध्यान से सुनो। अब इसके बाद जो आ रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरओसी ऑफिस, ये मैं अभी रोक के थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, वो करा के अभी ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, मैं एक चीज बस बता दे रहा हूँ, सिन नंबर पढ़ा के छोड़ दे रहा हूँ, चलेगा? ठीक है, एक सिन नंबर पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो और आगे आ रहा था ना उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब टाइम है नहीं, ऑलरेडी हम ब्रेक टाइम पे पहुंच गए हैं। मुझे मालूम है तुम लोग एक बजते ही तुम्हारे पेट में चूहे नहीं कुत्ते दौड़ते हैं, और तुम उसके बाद भूख भूख चिल्लाने लगते हो। क्या चिल्लाने लगते हो? भूख भूख, जो मुझे सुनाई देता भों भों, है ना। तो इसलिए बस सिन नंबर पढ़ा के छोड़ देता हूँ, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक के बाद क्या होना है? IDT, क्या होना है? IDT। सुनिए शांति से, सब सुन लो अच्छे से। सिन नंबर देखना सबको, एक जादू आज दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले बताइए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना? इसमें एक जादू दिखाऊंगा, हाँ एकदम जरूर जरूर हमें जादू दिखाइए। जादू मुझे थोड़ी बहुत आती है ना। देखिए मैं किसी का भी हाथ देख के बहुत कुछ बता सकता हूँ। कहा सर ब्रेक में, प्लीज मेरा हाथ देख लीजिए, बहुत दुख है लाइफ में। अब देखो, जैसे आओ इधर आओ, यहाँ आओ, खड़े हो, अरे ऐसे ऐसे क्या? अब देखो हाथ लाओ, हाँ पहले हाथ ऐसे ऐसे करो, हाँ तुम बहुत इमोशनल हो, देखो तुम जो चाहती हो वो नहीं हो पाता है, देखो है ना। अच्छा, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं टिकता, खर्च हो जाता है ना। तुम दूसरों का भला करना चाहती हो लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, देखा? सब बात सही निकली कि नहीं निकली पहले बताइए आप, कहेगा बेवकूफ बना रहे हैं, ये बातें तो सबके साथ अच्छी होती हैं, है कि नहीं? चलिए खैर, लेकिन यहाँ एक सच में जादू दिखाऊंगा, ये जादू आपको काम आएगा। चलो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सिन नंबर। एक बात बताइए, ये जो MCA 21 की दुनिया है ये तो ऑनलाइन है। अच्छा ऑनलाइन इसका मतलब वर्चुअल है। अरे ऑनलाइन क्या होता है? वर्चुअल होता है। अच्छा वर्चुअल में चीज़ों को देख तो पाते नहीं हो तुम, ना देख सकते ना महसूस कर सकते, है कि नहीं? टेंजिबल नहीं है, सारी चीज़ें इनटेंजिबल हैं। तो याद रखना, ये जो वर्चुअल दुनिया होती है ना, इसमें चीज़ों को पहचाना जाता है नंबर से। किससे? नंबर से। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जो आपका अपीयरेंस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अपीयरेंस दिखता ही नहीं,
और एक नाम तो बहुतों का हो सकता है, लेकिन नंबर हमेशा यूनिक होता है। नंबर हमेशा क्या होता है? यूनिक। आपने देखा होगा तुम लोग का ICSI में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक नाम के बहुत स्टूडेंट हो सकते हैं पर नंबर तो सबका यूनिक होगा ना। तो ऐसे ही MCA की दुनिया में कॉरपोरेट के लिए अब एक नंबर दे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। देखो इस नाम से समझ जाओ, एक ऐसा नंबर, नंबर में यूनिक होगा, यूनिक का मतलब सब अलग ही होगा। जैसे चार नंबर किसी एक को ही मिलेगा, चार के बाद पाँच ही मिलेगा या तीन ही मिलेगा, चार दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, तो यूनिक हुआ ना। एक यूनिक नंबर दिया जाएगा कॉरपोरेट को सो एज टू गेट देम आइडेंटिफाइड। क्योंकि नाम से कैसे करेंगे, नाम तो एक जैसे बहुत हो जाते हैं। अब रिलायंस, रिलायंस ग्रुप के अंदर रिलायंस के नाम से 100 कंपनी है, लेकिन सबका सिन नंबर अलग अलग होगा। सिन नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सिन नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है सो एज टू आइडेंटिफाई द कंपनी इन MCA सिस्टम। इन MCA सिस्टम, MCA 21 की दुनिया में कंपनी को नाम से नहीं, सिन नंबर से पहचाना जाता है। अब सुनिए, सिन नंबर 21 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 21 डिजिट। अब ये 20 जादू इसी बात में है कि वो 21 डिजिट देख के ना तुम कंपनी के बारे में बहुत कुछ बता दोगे। जैसे हाथ देख के बता देते हैं, ऐसे तुम सिन नंबर देख के, अच्छा ये फैसिलिटी सिर्फ तुम्हें मालूम होगी क्योंकि तुम सिन नंबर डिटेल में पढ़ रहे हो। CA का स्टूडेंट, CWA का स्टूडेंट, MBA वाला हो सकता है ना बता पाए, लेकिन आप बता देंगे। आइए, 21 डिजिट है ना, पहला डिजिट बताएगा लिस्टिंग स्टेटस, लिख लेना। तो कहीं अगर L से शुरू हुआ है तो कंपनी लिस्टेड है, और U से शुरू हुआ है तो कंपनी अनलिस्टेड है, लिख लो। तो कहीं पे अगर L से स्टार्ट हुआ है तो कंपनी लिस्टेड है, U से स्टार्ट हुआ तो अनलिस्टेड है। अभी बैठे रहिएगा, अभी सारे बच्चे बैठे रहिएगा, अभी मैं ब्रेक देने ही वाला हूँ, तो बीच में से कोई उठेगा नहीं अभी। और चूंकि मैं अभी कुछ ही देर में पूछने वाला हूँ, मैं सिन नंबर दिखाऊंगा और सीधा आपसे पूछूंगा इसके बारे में बताओ, ठीक है? तो पहला तो तुम बता दोगे, मुझे लगा कि यार सर L से स्टार्ट हुआ कंपनी क्या है? लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। सर U से स्टार्ट हो रहा है कंपनी अनलिस्टेड है, इतना तो पता कर लोगे। चलो आगे, ये लिख लिया L और U लिख लिया, आगे आओ। नेक्स्ट 5 डिजिट एक्टिविटी बताता है। अब इसके लिए एक्टिविटी कोड होता है, क्या होता है? लिखो एक्टिविटी कोड, लिखो एक्टिविटी कोड, लिखो, लिखा एक्टिविटी कोड। अब सुनो एक्टिविटी कोड मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये MCA के वेबसाइट से मैं उठा के लाया हूँ तुम लोग के लिए, ये देखो। अब ये तुमको याद, थोड़ा बहुत जो पॉपुलर होता है वो तो याद हो जाता है लोगों को। जैसे देखो, यहाँ देखो, अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर है, तुम कौन से सेक्टर की कंपनी हो, तो कोड देखो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पहले बताइए आप। उसके बाद देखो, अगर मालूम चला इंश्योरेंस कंपनी है तो, अगर मान लो फाइनेंस कंपनी है तो, देख रहे हो एयर ट्रांसपोर्ट खोजो तो कहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट, ऊपर चला गया, कहाँ एयर ट्रांसपोर्ट, ये तो एयर वाली जितनी कंपनी होगी, इंडिगो, स्पाइस जेट है ना, ये सब है ना, गो फर्स्ट सुना है सबका नाम, ये सबका तुम सिन नंबर कभी भी चेक करना, ये 62 से स्टार्ट होगा। तुम बोलोगे सर 5 डिजिट है, यहाँ तो 2 डिजिट है, ये मेन कोड है। क्या है? मेन कोड। इसके बाद भी 3 इसी सेक्टर में, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट में ही अब कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, कोई एयरपोर्ट बना रहा है, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा? क्लासीफाई। अब इतना कहाँ याद रख पाओगे, तुम मेन मेन याद रख लो भी बहुत है। 62 बोला इसका मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, समझे? उसके बाद भी 3 कोड और होंगे जो उनके डिटेल में होंगे, हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला तुम लोग के बुक में तो छपा हुआ नहीं है, तुम लोग को चाहिए एक्टिविटी कोड? बोलता तो ऐसे कि आज रात में ही याद कर डालेगा। बोलो चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा फिर, हैं, भेज दूंगा। मेरे ब्रॉडकास्ट में सारा बच्चा ऐड है, सारे बच्चे मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड रहो तभी मैं भेज पाऊंगा, ऐसे कैसे भेजूंगा। आज रात में भेज दूंगा, मुझे थोड़ा याद दिला देना और थोड़ा सा जेंटली, है ना, जैसे बोला था भेजने के लिए, भेजा नहीं अभी तक, है ना, ऊपर से लाल इमोजी डाल दिया, है ना, गुस्सा वाला नहीं होता लाल इमोजी, वो सबने प्यार से जेंटल रिमाइंडर दोगे। क्या दोगे? जेंटल रिमाइंडर, क्योंकि बच्चा सब कुछ भी रात में पता नहीं क्या पी लेता है, कुछ से कुछ लिखता रहता है मुझे। आइए, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट बताओ, कौन से स्टेट में कंपनी बनी है। जैसे मालूम चला उसमें लिखा हुआ RJ,
सर रेडियो जॉकी राजस्थान, डीएल सर ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली है ना, एचआर पीबी बीआर यूपी तो यूपी है, यूके सर यूनाइटेड किंगडम फॉरेन कंपनी उत्तराखंड है ना। अच्छा नेक्स्ट फोर डिजिट सर हमारा बर्थडे नहीं नहीं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कब बनी है। नेक्स्ट थ्री डिजिट ओनर इसका ओनरशिप कोड है, लिखो ओनरशिप कोड ये नीचे दे दिया मैंने ये लो ओनरशिप कोड। अब ओनरशिप कोड तो याद करना पड़ेगा भाई, चलो मैं कराऊं आ जाओ भाई। जी ओ आई लिखा हुआ इसका मतलब आराम से रुको टिक लगाया करो सर, ये गवर्नमेंट कंपनी है और ओ जी ओ जी ओ का मतलब गवर्नमेंट, आई का मतलब इंडिया, तो सर यूनियन, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, किसी कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। जैसे टिक मैंने लगाया ऐसे लगाओगे तुम, गवर्नमेंट कंपनी अलग यूनियन अलग, गवर्नमेंट में किसकी गवर्नमेंट स्टेट की है या यूनियन की, यूनियन। अच्छा एस जी सी गवर्नमेंट कंपनी है पर किसकी है स्टेट की, ये समझ में आ गया। आगे चलें अगला पीएलसी, रुक जाओ एक चीज सिखा देता हूँ, एल लगा हुआ रहे तो पब्लिक समझना और टी लगा हुआ रहे तो प्राइवेट समझना, ये शॉर्टकट है। क्या लगा रहा है एल तो क्या समझोगे पब्लिक और टी लगा रहे तो प्राइवेट, ये थोड़ा शॉर्टकट है समझने का। शुरू को इधर देखो पीएलसी तो सर पहले तो ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, चूंकि गवर्नमेंट कंपनी बोला तो ऊपर ले लिया हमने, नॉन गवर्नमेंट है और चूंकि पीएल लगा है सर तो पब्लिक लिमिटेड है और इंडियन है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इंडियन, चूंकि एफ लिखता ना तो फॉरेन होता तो कुछ नहीं लिखा ना तो इंडियन, तो इंडियन नॉन गवर्नमेंट में कौन सी कंपनी पब्लिक लिमिटेड, कौन सी कंपनी पब्लिक लिमिटेड। जैसे जैसे मैंने टिक लगाया ऐसे ऐसे लगाओगे, लगाया बॉक्स बनाया ऐसे ऐसे जैसे ऐसे कर रहा हूँ मैं। अच्छा पीटीसी कहाँ सर, ये तो हम बता देंगे सर, सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी है सर, ये इंडियन है और ये प्राइवेट लिमिटेड है, टी से समझ गया सर, पीटी का मतलब प्राइवेट। आगे बढ़े चलो भाई आगे आगे आगे, पीटीसी भी हो गया, अब आ जाओ एफएलसी सर, एफ लग गया सर फॉरेन होगा पक्का, और सर एल लगा फॉरेन में पब्लिक होगा सर, फॉरेन में क्या होगा पब्लिक, देखते हैं सर एफ लगते ही फॉरेन कंपनी लेकिन इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है भारत में, मतलब फॉरेन कंपनी है पर इनकॉर्पोरेट हुई है भारत में, एग्जांपल कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो मतलब इंडियन कंपनी तक में बनी है पर उसका ओनर तो कहाँ का है यूएसए का, तो फॉरेन कंपनी है पर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और सर इसमें एल लगा हुआ है तो पब्लिक है। देखा जैसे जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूँ ऐसे ऐसे बनाऊ। आगे सर एफटीसी हम बोलेंगे सर, ये सर फॉरेन कंपनी होगी और प्राइवेट होगी, आओ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और सर ये है प्राइवेट लिमिटेड। तुम लोग को एसबीसी में टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां सारी टाइप ऑफ कंपनी बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो। चलो यूएलएल सर ये अनलिमिटेड है सर, यू का मतलब हो गया अनलिमिटेड, एल लगा है सर पब्लिक होगा, देखे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है पर है पब्लिक। सर यूएलटी सर, सर अनलिमिटेड तो है सर, टी लग गया सर प्राइवेट है, अब क्या करोगे शॉर्टकट ऐसे बनाओगे ना दिमाग में, एल और टी का बड़ा फर्क है, एल का मतलब पब्लिक टी का मतलब प्राइवेट, यू का मतलब अनलिमिटेड एफ का मतलब फॉरेन, नहीं समझ में आया। आगे जी ए पी सर गारंटी कंपनी है सर, यहाँ वो नहीं चलेगा एल टी वाला, यहाँ एल इन्होंने लिखा नहीं पर ये पब्लिक है, चूंकि टी लिख दिया है तो टी के अलावा जो है वो तो पब्लिक ही है। आइए जी ए टी गारंटी कंपनी है पर प्राइवेट है, और एन पी एल नॉन प्रॉफिट, एन पी का मतलब नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट तो कौन होती है, समझ में आया, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा ठीक है। अब इधर देखो इधर देखो इधर देखो भाई, चलो तो सबसे पहले नेक्स्ट थ्री डिजिट भी पता चल गया, अब लास्ट में जो छह डिजिट देगा ना वो आरओसी अपना देता, हमको उससे मतलब नहीं, वो कुछ भी अपना देता होगा, हर आरओसी अपने कंपनी का, जैसे मैं बिहार आरओसी हूं तो बिहार में जितनी कंपनीज बनी होगी उसका मैं भी तो रजिस्टर मेंटेन करूंगा, तो मैं अपना कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूँ, ये आरओसी के काम का हमारे काम का नहीं। जरा जोड़ो तो समय लग, 21 हो गया, 5 1 6 6 2 8 8 4 12 12 3 15 15 6 21 ठीक है। चलो भाई एग्जांपल देखते जाते हैं, अब देखें चलो कंपनी का नाम बोलो
अरे भाई पार्ले प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी का नाम नीचे लिखा हुआ है पार्ले, क्योंकि पार्ले में बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। ये कौन सी है? पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। रुको, यू क्यों 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 क्यों? हाँ वो तो है ही, ऐसे भी प्राइवेट कंपनी हमेशा अनलिस्टेड ही होती है, क्योंकि लिस्ट कौन होती है? पब्लिक। क्लियर है? तो ये यू सर 15, हे भगवान 15 15 ढूंढना पड़ेगा सर, कहाँ गया कहाँ गया आपका कोड 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 15 15 ढूंढो तो कहाँ है 15 15? क्या पार्ले यही करती है क्या? बिस्कुट, बिस्कुट की बिस्किट, पहले मुझे ये क्लियर करो। नहीं सर, दिल्ली में बिस्किट, अपने यहां बिस्कुट, है ना। चलिए दोनों सही है, खाना ही तो है। अब जो बच्चे पहली बार दिल्ली आते हैं वो देखते हैं वो छोटे छोटे कुकीज होते हैं, हम लोग यहाँ उसको भी बिस्कुट ही कहते हैं, और जो डब्बा में आता है उसको भी बिस्कुट ही कहते हैं। सब मिला के सब कुछ हमारे लिए हद तो तब है जब रस्क को भी लोग बिस्किट कहते हैं, है कि नहीं। खाने से मतलब है, बोले और मिल जाए तो काम खत्म, है कि नहीं। हाँ बोले और नहीं मिल रहा तो एक बात बन सकता है भाई, लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा, बिस्कुट के नाम पर दे देता है यहाँ पर। चलिए तो ये इसका मतलब सही है, कोड इसका सही चल रहा है ना। और देखें हम लोग, चलो इसके बाद क्या आ रहा है? एम एच, ये अलग अलग कर रहे हो, यू हो गया, ये हो गया 15 वाला 15400, और एम एच महाराष्ट्र कब कंपनी बनी थी ये? अरे बाप रे 1950 में बनी थी। तो पीटीसी सर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, टी लगाना टी, और ये लास्ट 6 छोड़ दो, आरओसी, वो महाराष्ट्र का आरओसी जो भी दिया हो, मुंबई आरओसी जो दिया होगा क्या? हाँ, इसके बिना तो भाई कंपनी का कोई मतलब नहीं। रिलायंस, कौन सी कंपनी? रिलायंस, हमेशा भारी भरकम आवाज में बोलता है रिलायंस, ऐसा लग रहा है ओपीसी है। कौन? रिलायंस, इसका फुल फॉर्म बोलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी। क्या है? फ्लैगशिप, मेन कंपनी है ये रिलायंस। बोलो तो रिलायंस, रिलायंस, आवाज में भारीपन लगना चाहिए, खासकर गला फंसा हुआ है, अपने आप भारी निकल रहा आवाज। आई एल भाई, ये तो लिस्टेड है, ये तो लिस्टेड ही होगा भाई। आ जाओ भाई 17 ढूंढो 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 17 17 17 17 17 कितने बच्चों ने गुरु फिल्म देखी है? गुरु, अभिषेक बच्चन की एकमात्र इकलौती अच्छी फिल्म, बस ये 3-4 लोगों ने देखा, बाकी लोग मिर्जापुर 1 मिर्जापुर 2 गाली सीख रहे हैं हम, है? जरूर देखिए, मेरा एक्सट्रीम रिकमेंडेशन है। शायद यूट्यूब पे फ्री है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो सुपर हिट फिल्म थी और उसमें अभिषेक बच्चन धीरू भाई अंबानी का रोल लिया, और जो एक्टिंग किया है, और सच में जो फिल्म है गूज़बम्प सोच के भी आया था, आप वो देखिएगा। एक गुरु फिल्म देखिए, एक कॉरपोरेट फिल्म देखिए, उसमें बिपाशा बासु ने कंपनी सेक्रेटरी का रोल प्ले किया, और सीरीज अगर देखना है तो पंचायत सीरीज देखिए, उसमें सचिव जी वो गांव के सचिव थे तो सेक्रेटरी, और हम कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि सेक्रेटरी का पोजीशन कितना ऊंचा हो। उसमें भी वो चेयरमैन के साथ, उस गांव का जो मेन मुखिया था, मुखिया था क्या, प्रधान है, प्रधान था, प्रधान जी के साथ रहता था, और पावर उसके पास भी काफ़ी था, अगर आपने देखा हो उसमें दिखाया गया। अरे हम भी तो कंपनी सचिव हैं, वो देखिए आपको समझ में आएगा। तो हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बस यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, आप देखते वही हैं जो आप देखना चाहते हैं। देखने से याद आया आज का इकोनॉमिक्स टाइम्स कहाँ है? डेली इकोनॉमिक्स टाइम्स आता है ना अपने ऑफिस में, ये बच्चों के लिए ही आता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स यहाँ रखा करो, बच्चा सब देखता है। डेली साइन सिग्नेचर मिला था ना उस दिन, तुम लोगों ने चेक किया था, डेली कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स में डेली। जल्दी मंगवाओ, अभी सारे बच्चों को देंगे और जबरदस्ती पढ़वाएंगे। अच्छा गुरु फिल्म देखे होंगे तो उसमें अगर आपको याद हो, रिलायंस शुरू हुआ था पॉलिस्टर के बिजनेस से, मालूम है आपको? पॉलिस्टर नहीं समझते हो, पॉलिस्टर क्या होता है? हाँ टाइप ऑफ क्लॉथ होता है ना, शुरू में वही सिल्क पॉलिस्टर, उसी से तो शुरू हुआ था रिलायंस, नहीं मालूम है? चलिए तो ये भी हो गया, आगे बढ़ो, आगे क्या है अगला? अगला अगला है हाँ एम एच, वो तो मुंबई बेस्ड कंपनी है, रिलायंस जानते ही हो, 1973 में बनी थी, कब बनी थी? PLC, और लास्ट का 6 ROC नंबर छोड़ दो। चलो अब एक बैंकिंग सेक्टर उठा लेते हैं, कौन सा बैंक? ICICI। इसका पूरा नाम क्या है? ICICI।
एल लिस्टेड है क्या? यस, मैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का शेयर होल्डर भी हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ ना इसका। आइए 65, अरे ढूंढना पड़ेगा 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65। हाँ ये आपको याद होगा, बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है ना, वो इंटरमीडियरी तो होता है बैंक, तो देख लो हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। चलो 65 फाइव जी जे है गुजरात है ना। उसके बाद 1994 पीएलसी पब्लिक लिमिटेड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब प्राइवेट सेक्टर की है, और लास्ट में 6 गुजरात आरओसी का होगा। चलो भाई इंडिगो, फुल फॉर्म बोलो इंडिगो का मतलब, कंपनी क्या है? 6262626262626262 एयर ट्रांसपोर्ट, इंडिगो एयर ट्रांसपोर्ट ही तो है ठीक है। और उसके बाद डीएल, दिल्ली में कंपनी बनी है, कब बनी है? 2004 में, पब्लिक लिमिटेड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। चलिए किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट आप देखेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। किसी भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाइए, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज, जैसे तुम्हें या सेबी की वेबसाइट पर चले जाओ, लिस्टेड कंपनी कौन सा वेबसाइट, सेबी, क्लिक कीजिए सेबी को। सेबी का नाम सुना ना, यही हमें कंप्लायंस ऑफिसर बोलता है, शेयर मार्केट में हम लोग का बहुत बड़ा रोल है सीएस का, हम वहाँ पे क्या कहलाते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर है ना। ये आ गया सेबी। किसी भी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट देखने का मन है, जैसे मान लो इसी पर हम क्लिक करते हैं, आ गया ना एक कंपनी का डॉक्यूमेंट खुल रहा है अभी, ये देखिए। और ये क्या है, सबसे पहले सिन नंबर कहीं मिला तुमको? आईआरएम एनर्जी लिमिटेड, और क्या है सिन नंबर आ गया, यू अनलिस्टेड, 40 से कुछ होगा, देखेंगे 40। चलो कोई आगे देखते हैं, जी जे 2015 पीएलसी। अब देखो अभी तक ये यू है, अभी तक ये क्या है, यू, लेकिन जब इसका पब्लिक इश्यू आ जाएगा तो ये बन जाएगी लिस्टेड। तुम कुछ दिन के बाद, अभी तो ये सीवी को फाइल ही किया ना प्रोस्पेक्टस, जब पब्लिक इशू आ जाएगा हिट हो जाएगा तब इसका नाम बदल जाएगा, यू से हो जाएगा एल, क्योंकि अभी अनलिस्टेड है, बाद में क्या हो जाएगी लिस्टेड। तो ये काम करना तुम लोग देखना, और देखिए तुरंत नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस कॉन्टैक्ट पर्सन में किसका नाम आ रहा है, शिखा जैन कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। देखो कहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं लिखा, ढूंढो ढूंढो, CWA, IIT का इंजीनियर, IIM का MBA, शेयर मार्केट का इकलौता हीरो कंपनी सेक्रेटरी, किस नाम से, कंप्लायंस ऑफिसर के नाम से। कंपनी लॉ हमें बनाता है KMP, सिक्योरिटी लॉ हमें बनाता है कंप्लायंस ऑफिसर, इंसॉल्वेंसी लॉ हमें बनाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, CS1 रूप 3, KMP कंप्लायंस ऑफिसर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। कोई भी तुमसे पूछे क्या कर रहे हो, KMP हूँ, समझा नहीं कंप्लायंस ऑफिसर हूँ, समझा नहीं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ, समझा नहीं तो बेवकूफ। अब इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा तो उसको बेवकूफ भी बोलूंगा ना। देख लिया सिन नंबर होगा ही होगा, बिना सिन नंबर का कुछ होना नहीं है, किसी एक बच्चे से पूछ ही लेता हूँ जल्दी से उठा के, क्योंकि ऐसे ये शुद्ध नहीं होगा क्लास, किससे पूछूं किससे पूछूं। एक डर का जो माहौल फैला, अभी देखा तुमने एक वायरस फैला यहाँ पे, का ही पूछेंगे क्या, अब हम सर को देखेंगे नहीं, देखेंगे तो पूछ लेंगे क्वेश्चन, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा, ऐसी ऐसी नजरें दे रहे हो ना मुझे, मैं नहीं है। कुछ लोग तो एकदम मासूम बन गए, अभी तक बदमाश था अभी। कौन है भाई, कौन है 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 कौन बताएगा, जो लेट आया होगा, लेट वाले को ढूंढता हूँ, मैं भूल गया कौन कौन लेट आया था, बताओ तो कौन लेट आया था, ये लेट आया था नहीं, ये तो ये बोल रहा है मैं कल से इधर ही हूँ है ना। चलिए जी एक पॉपुलर हो गया है कि सर ना पिलर के बगल वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, पर क्यों ना आज उस प्रिंसिपल को चालू रखा जाए, क्योंकि बहुत बच्चा बहुत तेज है, वो कह रहा है कि हम पिलर के बगल में बैठेंगे नहीं तो पिलर उड़ा देंगे। अच्छा चलो किसी और से पूछ लेता हूँ, ठीक है, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा। एक लड़की को देखो एकदम ऐसे देख रही, कह रही आज नीचे फ्लोर वाले को देख लूंगी,
गलती से भी टीचर से नज़र नहीं मिलना चाहिए, नज़र मिला कि वो उठा देंगे हमें एक पर एक सब है क्लास में, मतलब ऐसे नीचे देख रही है कि नीचे के फ्लोर में जो लाइब्रेरी चल रहा है वहाँ देख रही है कि मेरा सीट है कि नहीं। चलो भाई अब किससे पूछूं, चलो एक काम करता हूँ सबसे पूछ लेता हूँ, बताओगे पक्का? अभी नहीं, पहले मुझे लिखने देना ठीक है, मैं सीन नंबर लिख रहा हूँ ठीक, काम लिखते ही बोल देंगे। तो 21 हुआ बता दिया तुमने, तो इसका मतलब न्यूज़पेपर में कभी भी किसी कंपनी का नाम आएगा, या मान चलो तुम अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, कोई दोस्त है इंजीनियर है उसके साथ जा रहे हो, एक बोर्ड पर देखा तुमने क्या चीज़ सिन नंबर, तुमने कहा चल बेट लगा सिर्फ बोर्ड देख के इस कंपनी का पूरा कुंडली निकाल दूंगा, दोस्त बोला है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने कहा चल पेपर ला मैं लिख रहा हूँ इस कंपनी के बारे में, और तू जाके अंदर पूछ के आ, जो लिखूंगा वही निकलेगा है ना, और अगर निकला तो तू मुझे 1 करोड़ रुपया देगा। जब आ रहा है तो पूरा कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना, क्या तुम ऐसे लिख के दे दोगे उस कंपनी के बारे में और वो सारी चीजें अंदर सही निकलेंगी तो तुम जीत जाओगे, एक तरीके का हो गया जा तू, है कि नहीं, और ये आता है सिर्फ तुम्हें। चलिए तो ये तो हो गया सिन नंबर इंडियन कंपनी के लिए। अच्छा एक बात हो, कोई फॉरेन कंपनी है तो उसको भी कोई नंबर दोगे? उसको कौन सा नंबर देते हैं? FCRN, क्या देते हैं? FCRN, तो फॉरेन कंपनी को क्या मिलता है? FCRN, इंडियन कंपनी को क्या मिलता है? सिन नंबर। FCRN फॉरेन का मतलब वो फॉरेन जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, क्योंकि जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई थी उसके लिए तो अलग था ही ना, तो ये ऐसी फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, सिर्फ ब्रांच ऑफिस सब खोली है तो उसको मिल जाता है FCRN, याद रहेगा। तो FCRN भी पढ़ा दिया, सी और सिन नंबर भी तुमको पढ़ा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, लेकिन ब्रेक से पहले, हाँ जी कोमल जल्दी से एक चीज मिलेगा तुम लोग को, अभी पैम्पलेट मारता हूं मैं। सुनिए ब्रेक के बाद क्या होने वाला है, आईडीटी, और आईडीटी में बहुत इंपॉर्टेंट आज है, क्या चल रहा है? कस्टम, और कस्टम के अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, हल्का सा वैल्यूएशन करेंगे, अगला चैप्टर तो पूरा ही वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन को लेके एक मैं ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं, और वो है ये चीज, ये है कस्टम टेम्पलेट। तो ये मैं सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, सारे के सारे बच्चे जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो, जल्दी से स्पीड में सुनिए इधर, सारे बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये क्या करना है, आज जब मैं वैल्यूएशन थोड़ा सा कराऊंगा, अगली क्लास में तो पूरा वैल्यूएशन ही होना है कस्टम के अंदर, तो ये सामने रखेंगे, इसी फॉर्मूले से सारा का सारा क्या होगा, वैल्यूएशन होगा, और इसके बाद जब कस्टम मेरी तरफ से खत्म हो जाए तो अपने रीडिंग टेबल के सामने इसको चिपका देना, और इसके पीछे मैंने स्कैन कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके प्लीज ये जितने भी चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज का आज, अभी का अभी, ठीक है? जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन लोगों को, अभी कोई अभी रुक जाना, डिस्ट्रीब्यूट करो स्पीड में, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई बात नहीं। मिला जरा देखो तो उसमें टेम्पलेट में क्या लिखा हुआ, कस्टम के टेम्पलेट में, और कस्टम की क्लास बहुत अच्छी चल रही है हमारी, मालूम है ना, आईडीटी 50 out of 50, क्या हमारा मिशन आईडीटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में 50 out of 50 मिशन पे काम कर रहे हैं, शानदार आईडीटी चल रहा हमारा, ठीक है? तो चलिए ये मैंने भी आप सारे बच्चों को बंटवा दिया है, इसके पीछे स्कैन कोड है उसको स्कैन कर लीजिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं मैं भी ब्रॉडकास्ट पे भेज रहा हूँ, ठीक है? तो अब आपका ब्रेक स्टार्ट होता है, क्या टाइम हुआ जल्दी बताओ, 135, 30 मिनट जोड़ लीजिए,